इसको मैं फ्यूल कैसे करता हूं? यार ये तो बहुत चीप होता है। मैं तो एक मिडिल क्लास बंदा हूं, और बल्कि कह लो गरीब आदमी हूं, और शायद इसलिए ही ये ट्रिप्स और ये एडवेंचर्स करता हूं कि दे आर द चीपेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड, इफ यू नो हाउ टू डू इट। ऑफ कोर्स यू नीड लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड स्किल। दिस इज कॉल्ड ट्रेवलिंग बाय शू स्ट्रिंग। यू कैन ट्रेवल बाय शू स्ट्रिंग। मेरे ख्याल में इफ यू कैन डू इट विद लेट्स से हाफ अ मंथ्स एक्सपेंस, दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? शुड नॉट कॉस्ट यू मोर देन हाफ अ मंथ्स एक्सपेंस ट्रेवलिंग अक्रॉस पाकिस्तान इफ यू आर विलिंग, बिकॉज यू कैन ऑलवेज फाइंड द चीपेस्ट बसेस एंड द चीपेस्ट places to sleep, or you can improvise, you can sleep on the roadside. Depends if you have the courage and you know how to do it. मेरे पास जितने पैसे होते थे मैं उस हिसाब से प्लान कर लेता था, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं घर से दोपहर की रोटी और सालन लेके निकल जाता हूँ। यू डोंट हैव टू गो फार इन सर्च ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर विल फाइंड यू रिडिकुलसली इजी। इट विल फाइंड यू, आई एम सेइंग, राइट? यू डोंट हैव टू फाइंड इट, इट विल फाइंड यू, जस्ट गेट आउट। देयर इज एडवेंचर एवरीवेयर। मैं तो इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग ना। तो मैंने जिस तरह अभी कहा कि आप घर से निकल जाए, एबटाबाद में रहता हूँ, यहाँ पहाड़ चढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामचोरों से बीबीए किया हुआ है 93 से 97 तक, तो मैं वहां पे भी निकल जाता था, और जो मजा वहां आता है डेजर्ट में, वो मजा तो मुझे पहाड़ों में भी नहीं आया। सीरियसली मैन, मैं आई इमेजिन कि मैं अगर कराची में होता तो मैं इस तरफ कीर्तन रेंज की तरफ निकल जाया करता, और लोकल लोगों की गाड़ियों में ट्रेवल करता, और लोकल डेस्टिनेशंस पे जाता। ऑफ कोर्स रिस्क लेना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क आप लेना, ये तो एडवेंचर है। यार फोटोग्राफ्स तो मैं जरूर करता हूँ। अब रिसेंटली मेरा जरा, मेरे पास जो भी हो, मेरे पास कभी बहुत अच्छा कैमरा नहीं रहा। मैं अपने अबू के कैमरे खराब कर चुका हूँ। अपने पास अभी भी मेरे पास वो है, निकॉन का 3300, वो भी बहुत एक्स्ट्रा वेट है। मैं नहीं समझता कि मुझे उसकी जरूरत है। मेरे पास एक दरमियाना सा मोबाइल हो तो काफी रहेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग व्लॉगिंग मैं करता नहीं हूँ। फोटोग्राफ्स, अच्छा अच्छा सीन सेटिंग हो तो किसी भी कैमरे से अच्छी फोटोग्राफ आ जाती है। तो एक दफा मैं जिंदगी में एक दोस्त से डिजिटल कैमरा बोरो किया था, मेरे पास नहीं था। तो तिब्बत जब मैंने ट्रेवल किया, तो क्योंकि सिर्फ कैमरा नहीं होता उसके साथ, हमारे जमाने में फिल्म होती थी, अब आपके जमाने में कार्ड की एक लिमिट है, एक बैटरी की लिमिट है, आपके पास चार्जिंग होनी चाहिए। दिस इज वेयर यू रिकॉर्ड। यस ऑफ कोर्स अ लॉट। मेरा फेसबुक पेज भरा हुआ है, मेरा फेवरेट फेसबुक है, इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम क्योंकि सिर्फ मोबाइल से अपलोड होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास हाई क्वालिटी इमेजेस हों, तो वो फिर इंस्टाग्राम पे कंप्यूटर लैपटॉप से मैं अपलोड नहीं कर सकता। ज्यादातर फोटोज मैं क्योंकि कैमरे से लेता हूँ। यार इट्स नेवर फिक्स्ड। ये तो आपको एक खुरक होती है, एक आपका पैर, आपको फील होता है कि नाउ इज टाइम फॉर मी टू गो एंड रिप्लेनिश माय बैटरीज, एंड सम इट कोइंसाइड्स विद कोई आपने एग्जाम दिया, कोई टफ पीरियड गुजरा, कोई मेहनत की है, कुछ इस तरह से है, या वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, या चांद की पूरी रात आ रही है, या कोई फ्रेंड आया हुआ है उसका दिल कर रहा है, आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, इसके देयर कैन बी अ थाउजेंड रीजंस। बट इफ आई लुक बैक एंड लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय ट्रेवल्स, तो आई डू लाइक
one or two major campaigns every year. I've done my biggest campaign every few years. So like 4-5 years में मैं फिर 4-5 दिन का बड़ा कैंपेन जो होता है जो सही तैयारी के साथ और खर्चे वाला भी थोड़ा उसमें खर्चा भी होता है ऑफकोर्स ट्रैवल ज्यादा करना पड़ता है और लेकिन उसकी फिर मेमोरीज भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है वो एक तरह से अकम्पलिशमेंट की आपकी सेंस भी उसमें ज्यादा होती है क्योंकि आपने कोई बड़ा काम किया होता है तो वो कुछ सालों में मेरी फ्रीक्वेंसी है मैंने देखा है कि मैं 2-4 साल में एक आध ऐसी कार्रवाई कर देता हूँ और वरना हर महीने एक आध डे ट्रिप लगा लिया कोई रोड ट्रिप कर लिया फैमिली के साथ बाजू का था आपको इट हैज टू बी समथिंग डिफिकल्ट इट हैज टू बी समथिंग नो वन हैज डन इट हैज टू बी समथिंग दैट फैसिनेट्स मी इट हैज टू बी समथिंग दैट हैज अ लॉट टू लर्न इन इट लॉट टू डिस्कवर दैट वुड ट्रिगर माय क्यूरियोसिटी एंड ओनली बाय गोइंग देयर कैन आई फाइंड आउट Explorers, adventurers, they do not create a list of destinations that I want to go there. There is no, क्या होता है? Bucket list होती है, frankly. Bucket, there is no such bucket list as such, right? कम से कम मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है. होती है कुछ जगह देख के बंदे का दिल करता है यहाँ जाना चाहिए. और वो जब क्लिक कर जाती है तो फिर आप सोचना शुरू हो जाते हैं वो बैकअप था माइंड चलती रहती है आप उसके ऊपर कभी गूगल कर लिया कभी कुछ किसी कोई मिल गया तो उससे पूछ लिया कोई गूगल अर्थ में बैठ के उसका नक्शा मक्शा देख लिया और फिर प्लान कर लिया वो प्लानिंग पोर्शन जो है ना वो तो आपका सबसे ज्यादा मजेदार पार्ट है और वो आप हर वक्त ही करते रहते हैं लाइक एडवेंचरर का जो लाइफ स्टाइल जब आपका बन जाता है ना तो यू डोंट Like, आप प्रैक्टिस में तो जाके फील्ड में तो टाइम एंड अगेन करते ही हैं लेकिन यूर एक्चुअली ऑन एन एडवेंचर ऑल द टाइम बिकॉज डेली आपको कुछ ना कुछ होता है कि यार आज मैं ये चेक करता हूँ तो आप थक के बैठ गए हैं अपना काम करके आपको यूट्यूब देख रहा है कोई गाने सुन रहा है मैं बैठा गूगल अर्थ के ऊपर गूगल अर्थ इज लाइक वो क्या होता है ASMR thing to me gives me shivers sometimes when I explore things तो मैंने होता है यकीनन और आपने वर्ड सिक्योरिटी बोल दिया आपका जो क्वेश्चनेयर है उसमें कई दफा ये लिखा हुआ है प्रोबेबली यू आर कंसर्न्ड अबाउट सिक्योरिटी अलॉट एंड यू थिंक दैट एवरीबॉडी इज टू इट इज नॉट सो इट्स अ वेरिएबल थिंग राइट मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग मुख्तलिफ लोकेशंस के लोग मुख्तलिफ एक्सपीरियंस के लोग मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं तो आपका लाजमी नहीं है कि जो आपकी परसेप्शन है और जो कंसर्न है वही औरों की भी हो आपने सिर्फ वो राइट ग्रुप देखना होता है कुछ ग्रुप्स के लिए ज्यादा आपकी एज ग्रुप का मुझे पता है कि आप लोगों को के लिए और उसकी एक सबसे बड़ी वजह इंफॉर्मेशन है फियर इज यूजुअली फ्रॉम अननोन यू नो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या होगा जहां आपको पता है क्या होगा तो फिर आपको फियर का मसला नहीं मैं आपको एक मिसाल देता हूँ परसों रात को मैं रास्ता घूम गया जंगल में एंड आई गॉट लॉस्ट एंड आई वॉज लेट And that forest is full of leopards. And it has so many deep ravines on both sides. Or I was so far, man. Mujhe pata tha ki mujhe, like, jab maghrib ki azan hoti hai na, to that's the time when predators come out to prowl. So mujhe pata tha ki mera danger time shuru ho gaya. I'm alone in the woods. There is nobody around. Like, for miles and miles, even if I cry or shout, nobody is going to listen to me. So... That was a dangerous time और वो रात थोड़े बादल वगैरह भी थे तो totally down. But I've done this kind of things a few times before. When I've had my fears and my apprehensions, I faced them and I realized कि if you're in your senses
You can handle anything. So first of all, you need to learn to control your fears and enjoy them. You know, adrenaline rush hota hai. Ye to hamara drug adventurers kyun jaate hain? Isi ke liye jaate hain. It is the highest kick that you can get from any other thing. You know, even artificial ye jo drugs hai, ye kuch bhi nahi hai. Adrenaline junkies are the most dangerous junkies. Tabhi ye marte bhi hain. ये वो जंगलों में वो पहाड़ों से छलांगे मार रहे होते हैं और सी डाइविंग कर रहे होते हैं वो क्या नाम था वो बेचारा जो वो हर वक्त मगरमच्छों के ऊपर चढ़ा रहता था फोती हो गया उसको स्टीव इरविन लुक एट हिम यू कैन पुश योर बाउंड्रीज टू अ सर्टेन लिमिट तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पर वो होता है मैंने क्या किया अल्लाह का नाम लिया प्रिपेयर किया अपने आप को टॉर्च ऑन की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ गई आई कैन बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन रीड द साइंस बर्फ पड़ी हुई थी फ्रेश तो फ्रेश स्नो में ट्रैक्स नजर आ जाते हैं हर हाइकिंग पे जब मैं इस जंगल में गया हूँ मुझे लेपर्ड ट्रैक्स नजर आए हैं और लेपर्ड से भी ज्यादा मुझे फियर था वहां पे वाइल्ड बोर्स का तो वाइल्ड बोर्स के ट्रैक्स भी मुझे वहां नजर आते हैं पर इस दफा क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी और ठंड थी I didn't see any such footprints. That gave me some assurance. Number two, most of the times you get animal attacks because you startle them. You surprise them. You get off with a very bad start. So, uska tarika ye hota hai, like I've spent decades in the woods. I've never seen a leopard with my own eyes. Can you believe that? I've seen so many footprints. I've seen them. Walking like I know that maybe this just passed 5 minutes ahead of me or maybe a minute. हो सकता है मेरी आवाज़ सुनके अभी वो यहाँ से नीचे उतरा हो. But they are so stealthy. I am not looking for them. I am not looking for trouble. So they are not looking for me. I've never seen one. और मैं क्या करता हूँ? जितना means के every 10 yards, 100 yards of walk, I would just utter a sound like a cough or a nara or hello or ये वो like. So that you warn everything in front of you, okay, I'm coming, and you know I am a predator. I'm the alpha. I'm the topmost predator in this world. So stay away if you don't want any trouble. They get off. Din ke waqt saamp ka dar hota hai. Kahi dafa dekhi bhi hai. Lekin kabhi bhi maine ye nahi hua ki wo attack kar de. Kyunki jab bhi maine dekha hai. तो वो उसको भागते हुए दूर से मैंने भागते हुए देखा और उसकी वजह क्या कि व्हेन आई एम वॉकिंग आई यूजुअली स्टैम्प द ग्राउंड विद माय स्टिक और आई एम क्वाइट यू नो टॉकेटिव सिंगिंग और मेकिंग सम काइंड ऑफ वॉइस एंड यू हैव टू लाइक आई हैव एनकाउंटर हुआ है रीच के साथ मेरा एनकाउंटर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं और हम बड़े मजे से उतराई में आ रहे थे और आगे एक रीच साहब खड़े थे काले रंग के इतने बड़े 7 feet साथ उसका बच्चा भी था तो वो मैं तब यंग था मैं 11th ग्रेड में था अबू के साथ हाइकिंग कर रहा था तो हमारे साथ गाइड थे और लोग थे और साइज की बात है तो हमारे गाइड ने हमें फौरन कहा जी रुक जाए हम थोड़ी हाइट पे थे वो नीचे था तो हम रुक गए और हमने उसने कहा जी उसने सबसे पहले वो बड़ा होशियार आदमी था उसने ना अपनी चादर उठाई और जो हमारे साथ म्यूल्स थे ना उनके चेहरों पर उसने डाल दी कि वो स्टार्टल ना हो जाए वो काम रहे फिर उसने हमें भी बड़ा आराम से उसने काम डाउन ऐसे रुक जाए जी ठहर जाए सबको इकट्ठा करके खड़ा किया अब वो जो रीच था ना उसको हमारी हवा लग गई लाइक द विंड वाज ब्लोइंग फ्रॉम बिहाइंड अस सो वो डाउन हिल था लेकिन इट स्मेल्ड इट गॉट ऑफ यू नो अ बेयर कैन स्मेल लाइक 12 टाइम्स मोर देन अ ब्लड हाउंड सो इट स्टूड अप एंड इट became like into an aggressive posture aur wo agar uphill bhi bhagta na to wo 1 minute mein hum tak pahunch jata hum usko outrun nahi kar sakte the lekin like situation got a bit tricky at that moment to fir hamara guide jo tha usne fir decide kiya ki ab hame aage se respond karna padega to usne apni chadar bhi utar li jacket is tarah ki cheeze bhi jo saath log the aur hame bhi usne kaha yu kare ye utare aur ye haathon ke sath upar utha le So that we all look big and we all huddle together and we become a big mass. And then we started shouting. Ah! The moment we shouted, it ran. Just like
यू नो समथिंग लाइक वो कौन सा है वो बोल्ट, तो इट बोल्टेड अवे इनटू अ रवीन विद इट्स स्टब फॉलोइंग एंड वी रिलैक्स्ड. बट देन दैट वाज द ओनली वे वी हैड टू गो. So once we crossed that ravine and we started moving downhill, now we were scared that the reach is behind us, maybe following us, because we are carrying food in our bags. We've got donkeys, and you never know ki kis din reach saab ke yaar aaj zara flavor change karte. So downhill, fir hum ruke nahi. Uske baad humne koi speed mari. शाम के वक्त कहीं हमें एक कुत्ते नजर आए तो हमें यकीन हुआ कि आबादी के पास हम पहुंच गए, लेकिन आबादी नहीं थी वहां, कुछ गुजर एक हट में ठहरा हुआ था. तो उसके पास फिर हम पहुंच गए. उसने रात को, गुजर आप पता नहीं, ये जो नोमैड हर्डर्स होते हैं जो समर्स में पहाड़ों पे चले जाते हैं और विंटर्स में वापस आ जाते हैं, तो उसके साथ हमने रात को कैंप किया. उसके पास बहुत बड़े बड़े शेपर्ड डॉग्स थे, और रात को दैट बेयर डिड कम. But at that time, those dogs were there to fight it off. So, पूरी रात वो हमारा कैंप था, उसके thousands of sheep were sitting, goats were sitting, और वो जो herder था वो कहता मैं तो रोज रात को यहाँ जागता रहता हूँ, क्योंकि रात को कोई ना कोई चीज, leopards, wolves, bears, उस इलाके में बहुत कुछ है. तो कहता है वो सब कुछ आता रहता है, लेकिन मैं अगर एक्टिव हूँ, कुत्ते मेरे जाग रहे हैं, तो हम उनको भगा देते हैं. We used to make a lot of big fires. But once you're with your abaji, then there is no tension. अकेले जब मैंने किया, मैंने अकेले रातें भी गुजारी हैं जंगलों में, जाता रहता हूँ, पहरे लगाए होते हैं. लेकिन मुझे वैसे ही मजा आता है. वो तो एक तरह से एक बंदा एक ट्रांस मोड में चला जाता है. हल्की सी आग जल रही है, साइलेंस है, थके हुए होते हैं आप, तो वैसे ही थोड़ा सा एक बस सा होता है. So then you can like travel into your mind if you have that. So you can spend all night semi asleep. And awake, you're not sleeping down, you're not vulnerable, you're sitting up, sitting next to something. So ye ek tarah se experience hone ke baad ab I can face my most of the things. Animals are the best to handle, and the biggest scare anywhere is people. Allah insano se bacha ke rakhe bas. And who, anybody, if you miss, you know, the अगर आप वो क्यूज मिस कर गए हैं, आपका इंटरेक्शन गड़बड़ हो गया है किसी बंदे से जिसका वो इलाका है, उसकी वो टेरिटरी है, उसको आपने ऑफेंड कर दिया है, तो देखें भी वेरी डेंजरस. हम क्या करते होते थे कि हम बच्चों में ना, हम जहाँ जाते हैं वहां पे हम नोटबुक्स, कलरिंग बुक्स, कुछ बलून्स वगैरह, इस तरह की चीजें, सोप्स, घर के मर्द के लिए या जो कुछ तालीम याफ्ता उसके लिए थोड़ी बहुत कुछ मेडिसिन, फर्स्ट एड की चीजें, ऐसी चीजें हम गिफ्ट्स ले जाते हैं कि यार इतने दूर एक इलाके में गए, उन लोगों को कुछ गिफ्ट दे देंगे. हमें भी उम्मीद होती है कि उनसे कुछ सब्जी, कोई दही वगैरह लेके हम खा लेंगे. वो ऑफकोर्स वी पे देम एज वेल, बट कुछ गिफ्ट देना मुझे अच्छा लगता है, उन बच्चों से इंटरेक्ट करना. सोप्स मैं इसलिए लेके जाता हूँ कि गंदे होते हैं, तो मैं उनके हाथ मुंह धुलाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है. तो जिस दिन हमारा ग्रुप कहीं से गुजरा, उस दिन गांव के बच्चे सारे साफ सुथरे होते हैं, और उनको ल्यूर मैं कैसे करता हूँ, शाम को जब आते हैं ना टेंट के ऊपर जोश में, क्या कोई कैंप लगा हुआ है तो उनको एक नई चीज मिल जाती है, बड़े तंग करते हैं पहाड़ी बच्चे, तो उनको उस वक्त मैं भगा देता हूँ कि ये गंदे बच्चे जो है ना, ये मैं इनको अलाउ नहीं करूंगा, जाओ मुंह धो के आओ. और फिर ये गिफ्ट भी है मेरे पास, तो जब तक कोई गिफ्ट पूरा साफ सुथरा आके नेल्स कटे हुए भी इधर बैठेगा नहीं, ये गिफ्ट नहीं मिलेंगे. तो सुबह सुबह फिर इतनी जबरदस्त परेड होती है ना, बाल बनाए हुए, हाथ मुंह धोए हुए, इधर तक हाथ सफेद, उसके आगे काला, इधर तक फेस धुला हुआ, नीचे गर्दन काली, बड़ा मजा आता है. तो वो हमने हमने इसी तरह उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट डील करे, उनको आइसोलेट भी ना करें, उनको लुक डाउन अपॉन भी ना करें. हालांकि वो नहीं चिढ़ेंगे अगर आप उनसे बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते, आप गुजर जाते हैं, कुछ नहीं कहते. लेकिन अच्छा ये होता है कि आप खासतौर से जहां आपने कैंप किया है, इर्द गिर्द थोड़ा सा गुडविल मैसेजेस. बुरी चीज उसमें ये होती है कि आप टॉफियां और चॉकलेटें वगैरह बांटने लगे. लेकिन इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस ये हुआ था कि हमने इसी तरह चीजें डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों में, और हम चल पड़े तो कुछ बच्चे लेट आ रहे थे,
और वो जरा शहर के पास की जगह थी, कुछ शहर के पास बच्चे जरा ज्यादा शरारती होते हैं, तो वो उन्होंने एक दूसरे से छीनना शुरू कर दिया। एक बच्चा मेरे पास आ गया, जी देखिए अंकल ये मुझे मारता है। मैंने उस बच्चे को डांट दिया, वो उससे बड़ा था, 6-7 साल का था। मैंने कहा यार क्यों छोटे को तुम तंग कर रहे हो, तो मेरे पास तो खत्म हो गई थी चीजें। That offended that child. अब हम थोड़ा आगे गए तो ऊपर जंगल में से, ऊपर पहाड़ से इतने इतने बड़े पत्थर श्रूम श्रूम हमारे सरों से गुजरे और नीचे जाके रास्ते में इधर उधर टकराए, और लाइक हैंड ग्रेनेड थे वो बर्स्ट ना, वो इतनी दूर से ऊपर से आते, और वो एक बच्चा भी हो ऊपर, और वो एक नहीं था, वो काफी 6-7 शैतान थे, और वो जंगल में ऊपर हमें फॉलो कर रहे थे, वहां से पत्थर मार रहे थे। लाइक किसी को लग जाता तो बंदा मर जाता यार, इतने बड़े बड़े पत्थर। और मैंने अपनी टीम को फौरन सिक्योर किया, उनको साइड पे करके उनको मैंने कहा इधर नीचे नीचे होके तुम निकलो, खुद मैं वापस भागा और उन लड़कों को मैंने कन्फ्रंट करना शुरू किया, आवाजें लगाई कि क्या कर रहे हो, कौन हो, इधर आओ, लोकल जुबान में। लोकल जुबान आने का बड़ा फायदा है, बेशक आप गलत ही बोले रियली चाइना में, पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहां भी मैं गया हूँ, कोशिश की है कि थोड़े 2-4 लफ्ज ही बोल लूँ, तो उससे बड़ा अच्छा वो आइस ब्रेकर होता है, लोग आपके साथ किसी ना किसी तरह रिलेट कर लेते हैं। अगर टोटल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है, आप और जुबान बोल रहे हैं, वो और बोल रहे हैं, आप अंग्रेज की तरह बिहेव कर रहे हैं उनके सामने, तो वो जरा एक बुरा स्टार्ट होता है। बहरहाल वो इतने में एक गाँव का कोई बुजुर्ग भी मुझे आता नजर आया, उसको भी मैंने शिकायत लगाई, दो लड़के भाग गए। लेकिन मुझे डर था, शाम तक मुझे डर था कि ये लोग शरारत करेंगे, ये वाकयात लोगों के साथ होते हैं इधर मरी के और पिंडी के इलाके में, ऐसी जगह है जहाँ पे लोकल मिस्क्रियंट्स होते हैं और वो लोगों को तंग करते हैं। दो चीजों के लिए मैं वार्न करूंगा सिक्योरिटी के इशू में, ऐसे इलाके में ना जाएं जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी है किसी भी तरह की। मसलन हमारे जंगलों में अक्सर जगह ऐसी है जहाँ पे लकड़ी की चोरी होती है, स्मगलिंग होती है, वो जो स्मगलर्स हैं वो ऑलरेडी बेचारे खुद ही एक वो गिल्ट फीलिंग में होते हैं, तो जब कोई बाहर से आता है और उनकी लाइक जिस तरह आप किसी शेर को स्टार्टल नहीं करना चाहेंगे कि वो आप पे हमला कर सकता, आप उन लोगों को भी स्टार्टल नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपका एनकाउंटर हो जाता है तो आप क्या? और ये जो ही आप शहर से बाहर जाएंगे ऐसे एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होती है, कुछ ना कुछ आउटलॉ किस्म के लोग वहां होते हैं, फिर क्या करेंगे? अगेन लोकल जुबान आनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर जेस्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए, ना तो बहुत अग्रेसिव हो ना बहुत आप माइल्ड हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा आई कॉन्टेक्ट दें उसके साथ बात करें, और कोशिश करें ब्रीफ रखें, निकल जाएं ऊंचे आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहें, क्या हाल है जी, ठीक है, और निकले वहां से। मैं एक दफा हाइकिंग कर रहा था, हम रात को लेट थे, जंगल में थे हम, और इट वॉज डाउन हिल, तो एक जगह में लेवल शदीद बारिश हो रही थी, तो हमें कोशिश, हम कैंप साइट ढूंढ रहे हैं, हमें कोई लेवल साइट नहीं मिल रही, कीचड़ इतना ज्यादा था, रेन फॉरेस्ट की तरह हो जाते हैं ये पहाड़ सावन में ना बरसात में जब बारिश ज्यादा होती है, यू कांट स्टेप ऑफ द ट्रैक, इवन इफ यू स्टेप ऑफ द ट्रैक यू विल स्टार्ट सिंकिंग। तो वो एक रोड सा बना हुआ था कच्चा सा गाँव का, उसमें हम जा रहे थे, तो हमें एक थोड़ी सी लेवल जगह नजर आई, वहां बैठ के उसके साथ ना लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर्स नहीं जिनको कहते हैं, लॉग्स को स्क्वायर कर लेते हैं जब, देन इट बिकम्स अ स्लीपर, तो वो स्लीपर्स पड़े हुए थे और कुछ उसको शेविंग्स उसकी लकड़ी वगैरह पड़ी थी। मैंने कहा इट्स अ नाइस साइट, यू कैन कैंप हियर, कुक आवर फूड, लकड़ी भी मिल जाएगी, हमारे पास अपने स्टोव बर्नर्स भी थे बट कैंप फायर का अपना मजा होता। हम वहां बैठ गए, थोड़ी देर बाद ही ना दूर से कुछ आवाज आना शुरू हुई, फिर एक बंदा आया, हम बड़े खुश हुए यार गांव का बंदा आ गया, अब तो मजे, मकई की रोटी और साग और लस्सी मिलेगी। वो आते ही कहता है तुम यहाँ क्यों बैठो, जाओ यहाँ से। हैं, ये क्या बात हुई? फिर बैठ गया वहीं पे, यहाँ ना बैठो, जाओ यहाँ। मैंने कहा कोई शेरों से नहीं हमें डर लगता यार। नहीं ना, आप जाओ यहाँ, ये ठीक नहीं है जगह, यहाँ खतरा है। क्या यार अजीब बात कर रहा है। इतने में हमारा खाना माना शुरू हो गया था, बट ही नेवर टोल्ड अस एट फर्स्ट एट लीस्ट के मसला क्या। खैर मैं फिर उसको उसके साथ गपशप लगाई, उसको प्रोब किया जब खाना बन रहा था, मैंने कहा हम चले जाएंगे, खाना खाने दो। फिर वो थोड़ा इजी हो गया, लेकिन एक बंदा और आके बैठ गया और मुझे अंदाजा हो रहा था कि उसके पास कोई आम शाम भी था। आई सेंस्ड कि यह मामला है ऐसा।
मुझे उन्हीं लोगों से खतरा भी था, तो आई हैड टू कीप एन आई ऑन देम। मैं उन्हीं के पास जाके उनके सर पे खड़ा होकर उनको प्रोब करना शुरू हो गया, अच्छा क्या वजह है, घर की तरह तुम लोगों का, ये इस इलाके में कौन रहते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ इस इलाके में, तो लकीली मैंने एक दो नाम फेमिलियर ले लिए, तो कुछ वो बंदा इजी हो गया मेरे साथ कम्युनिकेट करने लगा। तो फिर उसने कहा सर शेर वही है जो ये लकड़ी लेके जाते हैं, और ये लकड़ी जो पड़ी है इसके ऊपर फटा है दो ग्रुपों में, तो हो सकता है कि एक ग्रुप आज इसको चुराने की कोशिश करे और दूसरा उसको डिफेंड करे, तो यहीं पे आपने कैंप लगा लिया है, तो इसलिए आप बेहतर है कि निकल जाए। मैंने कहा इस तरह बात करो हम समझ के निकल जाएंगे। हमने खाना खाया, रात के 10 बजे हमने फिर ट्रैकिंग शुरू कर दी, और उसने हमें टिप दे दी कि आगे कुछ चंद मील और आगे जाए तो वहां पे एक गेस्ट हाउस टाइप है, वहां उसका बरामदा होगा, उसमें आप टेंट लगा लें। अब हम रात को चल पड़े, फिर बारिश तेज, अचानक जंगल में ना बड़ा तंग सा जंगल था, हम डाउन हिल थे, हमें कुछ लाइट्स नजर आ गई। हम अवेयर थे, हमारे पास अपनी छोटी टॉर्चेस थी लेकिन बड़ी टॉर्च नहीं थी, लेकिन आगे से जिन उन उन लोगों के पास पावरफुल टॉर्च थी, तो वी नोटेड देम फर्स्ट, तो वी हैड टाइम, वी रिलैक्स्ड। मैंने अपनी टीम को काम डाउन किया, मैंने कहा इस तरह वो लोग आ रहे हैं, यू डोंट नो कि वो कौन लोग हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो उनको हमने स्टार्टल नहीं करना है, लेकिन हमने खुद भी स्टार्टल नहीं होना, रिलैक्स। फिर हमने, हमारे पास कोई वेपन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हमने अपना एस्केप रूट डिसाइड करना था। मैंने लड़कों का देखो एक ही चीज है, डाउन हिल वी कैन गो फास्ट, तो इफ यू हैव टू वेयर योर बैग्स इन सच अ वे कि वो या तो आपको पूरी तरह टाइट हो या फिर आप उसको उतार के फेंक सको एक मिनट में, और छलांग मारो, बैग चेक फेंक दो और निकलो यहाँ से ना, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो। बाकी मैं आगे जाऊंगा, मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँ। एक टर्न मुड़ के वो लोग मारे सामने सामने आ गए, उससे पहले हमने जरा खांसना खूंसना ये वो कुछ लाइट्स वाइट्स इस तरह के, उनको पता लग गया कि आगे कोई कैजुअल गप लगाता हुआ आ रहा है। अब मेरे स्टूडेंट्स थे साथ में, वो आपस में क्या गप मार रहे हैं, तुम कैप्टन फ्लाम बन जाओ, मैं मेजर फ्लाम बन जाता हूँ, तुम कहना मेजर सब सर ही हो गया। मैंने कहा यार सर आप कर्नल हैं, हम ये सर्वे कर। मैंने कहा छोड़ो ये लोग, जितना इनको आप डराओगे ना उतना ये आपको फिर ज्यादा हर्ट करने की कोशिश होगी इनकी, कि आपने उनको थ्रेटन कर दिया ना, आप निकलो वहां से और उनको ये सिग्नल दो कि वी डोंट वॉन्ट टू हैव एनी ट्रबल और यू डोंट हैव एनी ट्रबल विद अस टू, सो इतना एतमाद भी आप में हो। उनको भी अंदाजा है कि जो लोग आ रहे होते हैं उनके पास भी वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं, और नोबडी वांट्स ट्रबल विदाउट अ रीजन। एनीवे जब वो ग्रुप आया तो मेरी टीम जो है ना वो इस तरह ज्यादातर पहाड़ के एज पे चलना शुरू हो गया कि जंप कर सकें, इनकेस गड़बड़ होती है तो नीचे बुश थी, एक स्लोप था उसमें वो फिर भी बच सकते थे। मैंने देखा उन लोगों के पास चेन्स, चेन सॉज, राइफल्स, कुल्हाड़े, 8-10 आदमी इतने बड़े बड़े मूछे वाले और पगड़ियां जैसी पहनी हुई और बड़े हैवी स्टेप्स लेते हुए आ रहे हैं, आपस में सीरियस सीरियस बातें कर रहे हैं। तो जो इन्होंने हमें देखा तो मैंने अस्सलाम वालेकुम क्या लेजी ठीक है इस तरह लोकल जुबान में उनसे बात की, तो वो अभी हमें नोटिस ही कर रहे थे, तो इतने में हम उनकी दोनों साइडों से गुजर गए और मेरे बॉयज निकल रहे थे, मैं खड़ा उन लोगों को, सबकी तवज्जो मेरी तरफ थी, मेरे 6-7 जो बॉयज थे साथ में, मैंने कोशिश किया कि उन लोगों की इन पे नजर ही ना पड़े और जस्ट स्नीक कर जाए, तो अपना तारुफ कराया और बस जी हम निकल रहे हैं, रास्ता भूल गए थे लेकिन हमें बता दिया तो हम जा रहे हैं, ये कह के मैं भी उनके दरम्यान में से गुजरा है। थोड़ा आगे आया तो मेरे स्टूडेंट ये देखे मेरे पास स्पिरिट की बोतल लाइटर, मैंने उसके ऊपर स्पिरिट फेंक के आग लगा, यार ऐसे नहीं सोचो, यू कांट विन इन एंड ये करके आप कोई बेवकूफ हरकत करोगे स्पिरिट आपके ऊपर भी गिरा होगा। ऐसे नहीं होता है, सो रिलैक्स रहे और एंड व्हेन इफ पुश कम्स टू शव निकलने की करें वहां से, और फिर आपने यू हैव टू शाउट फॉर हेल्प, यू हैव टू हडल टुगेदर, और क्या है फिर अदरवाइज फेस इट, वो भी हो सकता है, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। ट्रैवलिंग एडवेंचर में देयर इज ऑलवेज अ 1% चांस ऑफ थिंग्स गोइंग बैड, कोई वहां पे हो सकता है कि वो प्रोफेशनल किस्म के
अगवा का हर किस्म के लोगों, कल कराची में सिंध में 2 सब इंस्पेक्टर 6 पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो कच्चे के इलाके में, वहां वो लोगों को अगवा करने वाले लोग हैं। अब उनके पास चल के खुद ही कोई टूरिस्ट अगर आ जाए तो वो तो कहेंगे खुश है, ठीक है, किसी खाते पीते घर का है तो ये कुछ कर रहा है तो वो तो खुश ही होंगे। तो ऑफ कोर्स आप अगर आप अननोन इलाके में जा रहे हैं तो आप यूं करें कि वहां के लोकल थाने से बात कर लें जाके, कि एक उनको बता दें कि हम इस एरिया में होंगे, ताकि इन केस आप यू डोंट शो अप तो मे बी देर इज समवन कमिंग लुकिंग फॉर यू, हायर अ लोकल गाइड। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी हेल्प होती है कि आपके साथ एक लोकल बंदा हो, वो पहचानता भी है लोगों को और वो डील भी कर लेता है। हमारे यहाँ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी है, तागान से ऊपर बहुत दफा इस तरह के वाकयात सुनने को मिलते रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने काफी कंट्रोल कर लिया है, बट यू नेवर नो, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट एक जगह जुड़ते हैं। आप एक पहाड़ के उस तरफ जाएंगे तो आप कश्मीर में है, इस तरफ आएंगे तो आप कागान में है, उधर चले जाएंगे कोहिस्तान में है, उधर चले जाएंगे चिलास में है। तो दैट इज अ वेरी लॉलेस काइंड ऑफ प्लेस, और वहां के लोग भी बड़े टफ हैं और इस तरह के वाकयात होते रहे। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? अब हम वहां हाइकिंग करते थे तो कुछ एक तो आपको आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने की सलाहियत होनी चाहिए कि किन लोगों को आपने प्रोफाइलिंग, थोड़ी सी गलत बात है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हु टू बी अवेयर ऑफ। अक्सर उधर मसल्ला लोग जिनके पास बड़ी राइफल था उनसे तो आपने कोशिश करना है कि बचें, ट्राइबल लोगों से। इन हमारे साथ, मैं अब्बू के साथ जब ट्रैवल करता था तो ये इलाके बिल्कुल क्लोज थे, तो उनकी मैंने ये प्रैक्टिस देखी थी कि दिन में हमारे साथ जो लोग क्रॉस करते थे ना उनको सबको ऑब्जर्व करते रहते थे और बैठ के ना, चूंकि वो जो हमारे साथ गाइड होता था उससे डिस्कस करते थे, यार ये बंदे ये कौन थे जिन्होंने राइफलें उठाई हुई थी, ये कहाँ चले गए, देखो जरा। वो चढ़ते हुए देखते भी रहते थे कि वो चले गए हैं, ये ना हो कि वो कहीं छुप गए और रात को वो वापस आ जाए। बाज़ औक़ात वो लोग इतने डेस्परेट होते हैं, जो आउटलॉस टाइप लोग होते हैं, कि वो खाने के लिए भी ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि आपके पास खाना तो है ना, और अब तो कैमरे और मोबाइल वैसे ही बड़ी अट्रैक्शन है। फिर अगर आपके साथ फीमेल्स हैं, इवन मेल्स हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो क्रिमिनल बंदा है, उसके लिए तो ऑल गोज, वी नीड टू बी केयरफुल। फिर मैंने जो प्रैक्टिसेस अपने अब्बू की देखी है कि इंसानों का अगर खतरा हो तो कैंप साइट के पास हम 2 काम करते थे। एक तो ऐसे एरियाज में जाते हुए हमारे पास एक आध वेपन होता है तो हम शाम को उसको डिस्चार्ज करते हैं, प्रैक्टिस टारगेट शूटिंग कर ली थोड़ी देर, ताकि वो मैसेज लाउड एंड क्लियर हो कि वी आर आर्म्ड। एंड तो अगर कोई दूसरे शहर से आ रहा है तो उसको चाहिए कि वो लोकल गाइड हायर करे, लोकल थाने में बात कर ले, बाज़ुकात आर्म्ड एस्कॉर्ट मिल जाता है पैसे पे, और मेरे ख्याल 2-3 हज़ार रुपए में आपको एफसी का रिटायर्ड आदमी अलाउड होता है विद वेपन एज ए सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ जा सकता है अगर आप लंबी कैंपेन पे जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, कहीं अननोन एरिया में जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इस एरिया में कुछ खतरा है, तो अपनी सिक्योरिटी की खातिर, पीस की खातिर आप करें। बट आई पर्सनली आई नेवर कैरी एनी वेपन्स एंड आई डोंट रिकमेंड कैरिंग एनी वेपन्स। तो अबू में वो अच्छा है, वो बेयर स्प्रे आपके पास हो, पेपर स्प्रे हो, बट यूजुअली सच वंस इफ समबडी इज बेंट अपॉन इट एंड इज लोकल और इट्स नाइट टाइम इट्स गॉट वेपन्स, बेहतर ये होगा कि आप कम से कम इंजरीज लें और मैक्सिमम उस वक्त डैमेज कंट्रोल करें, उसको जो कुछ भी है पीसफुली दे दें, अपनी जान बचा लें, ठीक है। एक बैलेंस आपने करना है उस वक्त, पीस और एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट डैमेज। उसको ये भी अंदाजा हो कि इफ इफ थिंग्स गो वेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ हेयर अनस्कैथ, ये लोग भी फाइट कर सकते हैं आगे से, तो थोड़ा सा पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फाइट्स आर यू नो मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर वन इवन बिफोर द फाइट बिगिंस विद योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर यू नो योर कॉन्फिडेंस। तो
हम क्या करते थे, हम फेक कैंप साइट लगाते थे। हमारे पास एक आध टेंट हम पब्लिक रास्ते के पास अच्छी सी साइट पे लगा देते थे, और वहां पे हम बैठ के अपना खाना पका रहे थे। शाम के वक्त जो एक्टिविटी है वहां है, लेकिन जो हमारे स्लीपिंग टेंट्स हैं वो पहाड़ के थोड़ा ऊपर किसी हिडन जगह पे हम लगा लेते हैं। तो सब एक्टिविटीज करते हुए 9-10 बजे तक एक आध बंदा हम पॉइंट्स मैन रख लेते हैं, जो किसी हाइट पे बैठ के ऑब्जर्व करता रहे कि नजदीक कोई मूवमेंट इस तरह की रात के वक्त में ना हो। और खुद हम लोग खाना शाना खा के फिर बारी बारी सोने के लिए ऊपर वाले कैंप में चले जाते हैं, और नीचे वाली कैंप साइट पे एक बंदा बैठा रहता है जो जाग भी रहा होता है, या दो लोग होते हैं नीचे। वो लाइक हमारे पास एक बैकअप होता है कि इन केस समवन कम्स इन और समथिंग, या फिर हम उसको खाली भी छोड़ देते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि वहां आग जलती रहे, उधर वो कोई जाग रहा है तो फिर वो सामने हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन फिर हम क्रिएट करते हैं। वो कौन करता है, वो ज्यादातर वो गाइड या लोकल, वो बंदा मजदूर जो कंफर्टेबल है उस एरिया में वो वहां बैठ जाता है, और अगर नहीं है कंफर्टेबल तो सारे फिर वो कैंप को खाली छोड़ के खुद जंगल में कैंप लगा लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, डिफेंसिव पोजिशंस ले सकते हैं, रात के वक्त सोने के लिए सिक्योर जगह पे जा सकते हैं। वो कैसे कि किसी वुड पैथ के अंदर आप छुप के बैठ जाएं, रात को लाइट्स वगैरह ध्यान से यूज करें आपको, ताकि ट्रेस करना आसान ना हो। किसी दरख्त पे चढ़ जाएं, हैमक लगा लें, लेकिन इस हद तक कभी भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देवजी, हाँ अच्छा डगरी बंगला ट्रैक। अभी तो मैं एक ग्रुप के साथ गया था, अभी मैंने अहमदाबाद के बड़े बड़े हाइकर्स जो मशहूर लड़के हैं ना यहाँ के, उनको इकट्ठा किया था। एक तरह से मैं वो कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, हमारे जो गाइड्स वगैरह है ना वो खुद भी इतने वेल इक्विप्ड वेल ट्रेन नहीं है कि इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। या मीन्स कि ऑफ कोर्स हैंडल तो कर सकते हैं, लेकिन द वे दे डू इट, मे बी दे कुड लर्न समथिंग फ्रॉम मी एंड मे बी आई कुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। मैंने अनाउंस किया, वो आ गए, तो अदरवाइज मैं हमेशा एक दो लोग तीन लोग अकेला, शॉर्ट स्मॉल ग्रुप्स, आई प्रेफर स्मॉलर ग्रुप्स, क्योंकि जितना ग्रुप बड़ा होता जाता है ना फिर दोनों एंड पे लोग स्ट्रेच होने लगते हैं, जो तेज चलता है जो आगे होता है वो बेचारे को वेट करना पड़ता है फॉर अदर्स कैच अप, जो पीछे होता है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है कि यार आई हैव पीयर प्रेशर है, मुझे पहुंचना है, तो वो अपने आप को हर्ट कर रहा होता है, अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। शॉर्टर ग्रुप में ये आसानी हो जाती है कि आप लोग, फिर एक्सपीरियंस की बेस है, अगर नए लोग हैं तो यू नीड टू स्टे टुगेदर, अगर एक्सपीरियंस है फिर अपना अपना कर लें, शाम को आपका रेंडेवू पॉइंट सेट होता है, आप फलां जगह पे हम पहुंच जाएंगे। अब मैं जिस तरह रात को 10 बजे पहुंचा, और डगरी फॉरेस्ट में 7 बजे अंधेरे के बाद 10 बजे तक 3 घंटे अगर कोई बंदा जंगल में है तो दैट इज अ वरीसम थिंग, बट माई फ्रेंड्स हु आर एक्सपीरियंस पीपल दे वर नॉट वरीड, दे ऑल न्यू कि आई विल कैच अप, और कोई उन्होंने पैनिक नहीं किया, कोई टीम नहीं निकली मुझे ढूंढने, कोई आवाजें नहीं लगा रहे थे, हालांकि मैं उधर अपना टॉर्च के जरिए और विसल के जरिए टाइम एंड अगेन, हर जब मैं एक नई वैली में एंटर होता था तो थिंकिंग कि मे बी दिस इज द लास्ट वैली, तो लेट मी वॉर्न माई फ्रेंड्स कि आई एम नियर, तो मैं वो जरूर सिग्नल दे देता था, बट वो क्योंकि पहाड़ के एक ऐसे लेज पे बैठे थे दूसरी साइड पे थे, तो दे कुड नेवर हियर मी कमिंग। तो ये है, फिर आए करें, इसका एक ही हल है, करें तजर्बा करें, प्लेयर बने। मैंने आपको बताया था कि एक सीजन ट्रेवलर एडवेंचरर की परसेप्शंस डिफरेंट होती हैं। वी नेवर कंपेयर ट्रैक्स, फॉर व्हाट वुड यू कंपेयर देम, सम ट्रैक्स वुड बी वेरी हार्ड, अदर ट्रैक्स वुड बी वेरी ब्यूटीफुल और सीनिक, सम ट्रैक्स वुड बी वेरी वाइल्ड, अदर्स वुड बी वेरी वेल पेव्ड, तो
तो ये तो कितनी किस्में हैं. प्लस यू नेवर आस्क अ पेरेंट व्हिच चाइल्ड डू यू लाइक. ऑल ऑफ दोज एडवेंचर्स वर माइन. समटाइम्स आई हैव हैड सच ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑन सच एन ऑर्डिनरी ट्रैक एंड समटाइम्स आई हैव हैड वेरी वंडरफुल ट्रैक्स प्लान्ड एंड दे टर्न आउट टू बी यू नो अ बमर. तो आई कांट, आई एम सॉरी, एंड आई डोंट लाइक पीपल यू नो रेटिंग थिंग्स. But if you have to, in terms of farthest place that I've gone, I am the second Pakistani to have ever been to the source of Indus River. And not exactly the source, but within that mile or so. So Mount Kailash, in Tibet. So that is one of my like remotest, hardest journeys. I also climbed the highest, like 18,000 feet is the highest I've climbed. I'm not a mountaineer. I'm not a climber. I'm a tracker. I prefer, level tracks or alpine tracks with where you can find wood and water and you can survive easily, interact with people. Don't like high altitude का अपना मजा होता है. But then it takes a lot of gear and equipment. It's more expensive. आपको ऑक्सीजन कैरी करनी पड़ती है. आपके पास शूज अच्छे होने चाहिए. स्लीपिंग बैग माइनस वाला होना चाहिए. लाइक वंस यू क्रॉस द स्नो लाइन है 13,000 feet, स्पेंडिंग नाइट अबव 12-13,000 feet इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम. तो आई एम नॉट दैट. सो लेकिन दैट इज द हाइएस्ट आई हैव गॉन टू एंड दैट इज वेयर आई एम प्राउड ऑफ. बिकॉज Then I was looking for कि मुझसे पहले कोई गया कि नहीं गया. तो फाइनली आई फाउंड समवन, वन पाकिस्तानी पर्सन, डॉक्टर अमजद हुसैन. ये अमेरिका में होते हैं और ये बड़े अकम्पलिश्ड पाकिस्तानी है माशाल्लाह. और he's been there. तो मैं फिर I had a chance to even have a talk with him and had a chat with him. वो फिर पुराने फैमिली फ्रेंड निकल आए, जानते थे फैमिली को. तो उनके साथ बड़ी अच्छी गप हो गई और उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भी दिया कि यू हैव द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट एक्सप्लोरर. तो उसके बाद मैं जो ऑलमोस्ट रिटायर हुआ हुआ था, मैंने फिर से वर्कआउट शुरू किया कि यार लेट्स डू अ बिट मोर. तो वो अदरवाइज दैट वाज आल्सो समथिंग कि जो करके मैं रिलैक्स हो गया था कि नाउ आई हैव डन समथिंग समथिंग बिग. कुछ अर्सा मुझे फिर चैन भी आ गया था. इसके अलावा मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे गया हूँ, साउथ फेस पे, चाइनीज साइड से, नॉट नेपलीज साइड बट फ्रॉम द चाइनीज साइड. आई क्लेम कि मैं उधर भी मैं पहला पाकिस्तानी हूँ. आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी एनी एल्स एनी अदर पाकिस्तानी हुज कम फ्रॉम द सदर्न साइड. और वो भी मैं जॉर्ज मैलरी था जिसने पहली दफा कोशिश की थी एवरेस्ट पे चढ़ने की, मर गया था बेचारा. So I was inspired by his work, and actually that's what took me to Tibet. I wanted to follow his footprints from Tingri to Everest Base Camp. So that I did, or wo experience, or wo interaction, wo sabse badi cheez jo kisi track ko ya kisi location ko meri nazar mein important banati hai, wo uska wild hona hai. How remote it is, how wild it is, how unexplored it is. How legendary it is, right? So sometimes I explore new tracks and they are the most interesting. Problem ये है कि आप किसी को बताते हैं मैंने वो ट्रैक किया, उसको पता ही नहीं होता ये क्या ट्रैक है और किधर है. तो this then it kind of becomes your personal treasure. आपको पता है कि आपने क्या experience किया है और क्या देखा है. तो मुझे पुराने abandoned routes ढूंढने का बड़ा शौक है, less traveled routes का शौक है. पर वो ट्रैक था जो मुझे मजा आया, वो हमने 3 दिन में कोई 57 किलोमीटर्स हाइक की, वेंट अप 16,000 फीट एंड डाउन एंड अगेन 17,000 फीट. और वो बहुत मजे की जर्नी थी. लंबी जर्नीज में फिर इस तरह की है, मेरे फादर के साथ मेरी कुछ बचपन की हाइक्स हैं जो हम मुजफ्फराबाद से वाया ताऊबाट, कामरी एंड देन मिनीमर्ग और देन छोटा देवसाई तक गए थे एंड वी केम बैक. एक हफ्ते का ट्रैक था. तो वो एक अपना उसका मजा था. उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, अपने खुद ही हम घर से तैयारी करके जो कुछ हमें मिला यूटिलिटी स्टोर से उठाया और चले गए. उसका अपना मजा था. सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपन यू नो वंस यू गो आउट देन
अलॉट ऑफ द इटिनरी इज डिसाइडेड बाय अलमिया, और वो उसमें बड़ी मजे की चीजें हो जाती हैं। तो हैड सम वंडरफुल एक्सपीरियंसेस। एक गांव में हम पहुंचे, वहां एक हाजी साहब था, उन्होंने हमें इतना आला खाना खिलाया, इतनी हमारी मेहमानदारी, इतनी खिदमत की। वो टाइम कैप्सूल की तरह वो गांव है, जो अभी तक, अब तो नहीं मुझे पता, लेकिन उस वक्त तक वो जिस तरह कोई 200-300 साल पहले की दुनिया में रहते हो, वो ऐसी जगह थी। कमरी की बात करूं, कमरी इज वन ऑफ द रिमोटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ इन पाकिस्तान स्पेशली। कमरी, कमरी जो है ना, ये मिनीमर्ग इज अ फेमस डेस्टिनेशन। उसके बाद ये कारगिल रोड पर सेकंड लास्ट स्टॉप है, उसके बाद फिर कारगिल है। तो ये इसके गांव, ये बॉर्डर एलओसी पे भी है, लाइक इसके 300 मीटर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो आर्मी के परमिशन वगैरह चाहिए होते हैं, वो मिल जाते हैं अगर आप जाएं तो। अगर नीलम वैली साइड से जाएं तो नकरू बेस है, वहां बता दें, उनको इन्फॉर्म कर दें, वो आपके कार्ड शार्ड नोट कर लेते हैं। और अगर आप उधर से आ रहे हैं तो मिनीमर्ग बेस है, वहां से आप कर सकते हैं। वो मैं यार पीएचडी करने गया हुआ था चाइना, तो इसलिए किया, वरना यार देखिए उसमें भी दो चीजें हैं। एक तरफ हम शुक्र करते हैं कि अभी तक मुल्क अनडेवलप्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि जहां हम जाते हैं उस जगह का हम कबाड़ा कर देते हैं, उसको कूड़े का ढेर बना देते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, पॉटीज का ढेर। कोई इतनी दूर पहाड़ चढ़ के ये देखने आएगा क्या? सैफुल मलूक झील जाना बहुत बड़ा टॉर्चर है, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गया तो उधर इतना कूड़ा था और इतने गंद था और लोगों ने इस तरह बिहेव कर रहे थे। और फिर उन्हीं दिनों गवर्नमेंट ने वहां बोटिंग पे पाबंदी लगाई, तो जो बोट थी उन लोगों की, उनको पेट्रोल डाल के गवर्नमेंट ने आग लगा दी, और वो हाफ संक झील के अंदर पड़ी हुई थी, जली हुई। वो इतना टेरेबल नजारा कि यार ये जिस तरह कोई पता नहीं, वो ट्रोजन वॉर्स में ग्रीक्स अपनी कश्तियां जला के चले गए थे जब तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जला दी थी, ये इस तरह कश्तियां क्यों जली हुई है? हमें एस्थेटिक्स का सेंस ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई चीज हम लैक करते हैं तो वो सेंस ऑफ एस्थेटिक सेंस है, कि किसी जगह को, खूबसूरत जगह को अगर आप जा रहे हैं तो खुदा का वास्ता उसको खूबसूरत ही रहने दें, बेहतर ना ही जाए। सॉरी टू से दैट, लेकिन लेकिन ये हल नहीं है, ना जाना कोई हल नहीं है, अंडर डेवलपमेंट कोई हल नहीं है, और एक पेनफुल प्रोसेस होगा फ्रॉम बीइंग लेस डेवलप्ड टू मोर डेवलपमेंट। बीच में कचरा भी आएगा, फिर उसकी रिकवरी भी होगी। जब सेंस बढ़ जाती है ना लोगों के, एवरेज पाकिस्तानी बंदे की समझ बूझ बेहतर हो जाएगी, तो वो अपने शहरों को भी साफ रखेगा, वो पहाड़ों को भी साफ रखेगा। उस वक्त उसको अपने अबू के फेंके हुए कचरे उठाने का बड़ा शौक होगा, फिर वो जाएगा टीमें बना के बैग लेके। ये एक होती है प्लॉगिंग, PLOGGING, आई ऑफन डू दैट। मुझे अगर कोई स्टूडेंट्स का ट्रिप लेके जाना हो या लेजर ट्रिप करना हो टू अ पॉपुलर डेस्टिनेशन, तो मैं अपने साथ 2-3 खाली बैग्स और ग्लव्स और मास्क और चिमटे शिमटे इस तरह की चीजें, कुछ टोंग्स बना लेता हूँ, ताकि जो सामने सामने जितना कूड़ा मैं उठा सकता हूँ वो तो उठा लूँ। तो मैं फिर वापसी पे ऐसी जगह से 20-20 किलो कचरा लेके आता होता हूँ, और मैंने कभी उसको ऐसे कोई कटोरा नहीं पीटा, क्योंकि इट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन कि आई हैव डन, एट लीस्ट आई हैव डन समथिंग। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है यार तू ऐसे ही इतना कचरा उठाते रहते हो, ये देखो, वो फोटोज लेता है और उनको फोटोशॉप करके सारा कचरा गायब कर देता है। तो जाए तो उस जगह को साफ रखें, इस एरिया को हम डेवलप कर सकते। यार
यहीं पे तो स्टेट आती है ना, जहां पे फिर सोसाइटी अपने आप को खुद, जिस तरह बच्चा खुद नहीं चल सकता तो पेरेंट्स उसको पकड़ के चलाते हैं। तो स्टेट अगर थोड़ी सी अपने पैरों से उठे, एयर कंडीशनर से निकले बाहर, खुद जाके करें, या कम अज कम हमें बुला लें, हम उधर आके आपको बता देते हैं कि क्या हो रहा है, कैसी अच्छी डेस्टिनेशन बर्बाद हो रही है और कितनी हिडन नई डेस्टिनेशन है जो आपको नहीं पता है। और गवर्नमेंट इंटरेक्ट ही नहीं करती, हमारे यहाँ लैक ऑफ गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस है। इस गवर्नमेंट को मशवरा देना बेकार है, सांस जाया करने की बात है। लेकिन बहरहाल इस गवर्नमेंट से मुराद पीपीटीआई है, करंट गवर्नमेंट नहीं है। ये जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जो ये सिस्टम इज अनएबल टू लर्न एंड मैनेज। हम तो रिवर्स मारा हुआ है ना, हम प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे हैं, हम रिग्रेस कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छा ये कलैप्स हो जाएगा खुद ही और फिर ही उसके बाद नया काम शुरू करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर गवर्नमेंट से कोई बात करनी हो तो ये हमारे मुल्क में टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, वो मुख्तलिफ लोकेशंस को मैनेज करता है, वहां पे अथॉरिटीज बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रैक्स का और एडवेंचर का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रेल्स मार्क्ड नहीं है। नया नया ये इस्लामाबाद में जो ट्रेंड आया उसकी वजह से कुछ गवर्नमेंट ने ट्रेल का वर्ड यूज करना शुरू किया है, ट्रैक्स का वर्ड। अंग्रेजों के जमाने के 200-200 साल पुराने ट्रैक्स हैं, 100-100 मील लंबे हैं, जंगलों में बंगले बने हुए हैं, लोग अंग्रेज जाते थे। अब वो डिसरिपेयर में चले गए हैं, वो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, ना आर्कियोलॉजी मैनेज कर रहा है, ना एनवायरमेंट को प्रोवाइड, और वो उखाड़ के लोग चीजें ले गए हैं वहां से, वो गिर गए हैं। और जिस तरह हमारे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, ऐसे ट्रैक्स हैं जो रेलवे के, जो अगर हम मेंटेन करें तो बड़े हिस्टोरिकल सफारीज हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोई भी है, गवर्नेंस सोई भी है। तो करने को तो गवर्नेंस वालों का करने का ये काम है कि इन ट्रैक्स को एज अ नेशनल एसेट रिकग्नाइज करें। जो मार्गला हिल्स में इन्होंने एक ट्रैक डिक्लेयर किया था, फिर वो बन ना सकी बात ना, 54 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है दैट गोज अलॉन्ग द लेज ऑफ मार्गला हिल्स फ्रॉम वन साइड इस्लामाबाद रवात साइड से वो शुरू होता है और वो जाके मरी में खत्म होता है। इट हैज 3 or 4 stopovers, बीच में एक आध गेस्ट हाउस भी है, एक पुराना ट्रैक है। तो कम अज कम उसको उन्होंने वो 5 trails की वजह से फिर एक ये ट्रैक भी डिक्लेयर किया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है। हमें चाहिए कि इस सेगमेंट को, जो एडवेंचर का सेगमेंट है, इसको रेगुलेट करें और इसको डिवेलप भी करें। मैं तो सिर्फ ट्रैकिंग करता हूँ एडवेंचर के हिसाब से। मेरा एक कजन है, डिस्टेंट कजन है, वो पैराग्लाइडिंग करता है, पाकिस्तान में बड़ा नाम है एहसन। तो उसमें डेथ्स भी होती हैं, इंजरीज भी होती हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करती है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एन एलीट स्पोर्ट, तो उसमें बड़े लोग आते हैं तो बड़े लोगों के लिए काम बेहतर हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स, इसके लिए बाहर से लोग आते हैं, इधर नॉर्थन एरियाज में, हुंजा में, और वो करते भी है ग्लाइडिंग, और जो बेस्ट पैराग्लाइडिंग वीडियोज हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज की हैं। बहुत सारी नई जगह बन सकती हैं, वो एडवेंचर स्पोर्ट है। राफ्टिंग, हमारे यहाँ बच्चों वाली राफ्टिंग होती है नारान में, जहाँ पानी स्टिल स्टिल है वहीं पे कर लेते हैं। सीरियस राफ्टिंग नहीं है हमारे यहाँ, ना होने के बराबर है, लेकिन अगर गवर्नमेंट करे तो वो होगा ना। थोड़ा सा लोगों के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, वो रन्स जो होती है वो रन्स डिवेलप करनी पड़ती है पहले, फिर वो ज्यादातर क्योंकि अभी फॉरेनर्स करते हैं पाकिस्तान में, वो लोगों में वो टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ उस टाइप ऑफ एडवेंचर का। तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट ऐसी चीज को दी जाती है जो ना खुद अपने तौर पे बन पा रही हो। तो बेस्ट बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट जो राफ्टिंग हमारे पास चैनल्स हैं वो हैं, फिर जिप लाइन वगैरह लगाते हैं लोग दुनिया में, ट्रेल्स बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, ट्रैक्स के ऊपर बड़े ब्रिजेस व्रिजेस बनाते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, उधर गार्बेज कलेक्शन का सिस्टम बनाते हैं, उधर टॉयलेट्स बनाते हैं। टॉयलेट्स बहुत बड़ा मसला है, औरतें जा ही नहीं सकती क्योंकि टॉयलेट नहीं है। मर्द तो चलो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो जाते हैं वो बर्बाद करके आ जाते हैं। तो मीन्स के ये चीजें गवर्नमेंट ने करने की है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। चाइना में मैंने देखा था कि वो लोकल कम्युनिटी के वॉलंटियर्स हायर कर लेते हैं,
उनको वो लाल पट्टी बांध देते हैं और उनको महीने का 1,000-2,000 दे देते हैं, वो जंगल की भी हिफाजत करते हैं और टूरिस्ट को गाइड भी कर देते हैं उसको। वो आग लगाने पे जहां पाबंदी है वहां पे वो जाके मना करते हैं कि आग मत लगाओ, किसी साइड पे आपने कैंप नहीं करना। फिर सफाई करते रहते हैं, ज्यादातर चॉकिंग मिटाते रहते हैं, उसको प्रिस्टीन हालत में रखते हैं। लेकिन ट्रैक बनाना आसान होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, और हम बना लेते हैं और मेंटेन नहीं करते। तो वो एक सिस्टमैटिकली एक बिजनेस के तौर पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के हिसाब से हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी जगह है जिसके ऊपर फॉरेन से बहुत ज्यादा ट्रैकर्स ट्रेवलर्स आ सकते हैं, और हमारा अपना डोमेस्टिक बहुत सारा टूरिज्म हो सकता है। लोगों ने अब तकरीबन पाकिस्तान सारा देख लिया, जिस बंदे से मिलो तो उसके मुंह पे रटा हुआ होता है कुमराट देख लिया, फलान देख लिया, फलान देख लिया, फलान देख लिया, कि वो जो पैकेज टूर जहां जहाँ 30-30 हज़ार के मिल रहे हैं, लोग बसों में बैठ रहे हैं पहुंच रहे हैं, या मेहरान गाड़ी पे आपकी तरह निकल रहे हैं, बस मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं। वो लोग अब ऑलरेडी सेचुरेट हो गए, अब उनको नए ट्रैक्स की तलाश है, नई डेस्टिनेशन चाहिए, और वो नहीं है या है तो पता नहीं है। वो हाई एंड लोगों को तो पता चल ही जाता है, हम जिस तरह हमारे एक्सपीरियंस दोस्त हैं तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं, यार फलां एरिया उधर जाता है। आम आदमी को जब तक आप उस जगह को डेवलप नहीं करेंगे, उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो अच्छा क्यों जरूरी है नई साइट्स, क्योंकि पुरानी साइट्स भी ओवरलोड हो गया, उनको उधर से आपने मसलन कल डगरी बंगला जो कि 6 घंटे की हाइक है नॉर्मल बंदे के लिए, लोकल्स तो 3 घंटे में कर लेते हैं, नत्थी गली से ग्रिड लॉक हुआ हुआ था, 60 लोग रात को डगरी बंगला में कैंप कर रहे थे, तो सुबह जब वो निकल रहे हैं कुछ लोग नीचे से आ रहे हैं तो फिर हर ग्रुप खड़ा होकर सेल्फियां लेना शुरू हो जाता है। सिंगल ट्रेल है, अगर आप क्रॉस करेंगे बैग्स पहने हुए हैं, इज अ बिट चांस कि आप गिर सकते हैं, या आप खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। तो नई से नई साइट्स का ये फायदा होता है कि फिर कुछ साइट्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, और साइट्स की एक लिमिट होती है जहां तक वो ह्यूमन एक्टिविटी को आराम से सस्टेन कर सकती है, उसके बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो नई साइट्स हमें चाहिए और उनके ऊपर साइट मैनेजमेंट चाहिए। बड़ा आसान है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे गवर्नमेंट ट्रैक्स भी मेंटेन हो जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट। मसलन नथिया गली में 15,000 रुपये लेता घोड़े वाला एक दिन का ट्रैकर्स के लिए, कि जो ट्रैक पे आपका सामान लेके जाएगा, और लोग देते हैं। फिर उसकी टेक्निक्स हैं कि आप गांव में पता करें, जो लोकल गांव का बंदा होगा वो आपको शायद कम रेट पे 5-6 हज़ार रुपये फिर भी वो लेता है। मुझे जो बाकी ट्रैकर्स मिले उनके गाइड से साथ, मैंने एक गाइड के साथ जरा गप लगाया, उनसे पूछा तो भाई तुम्हें क्या बच रहा है इसमें, 4-5 हज़ार रुपये। यार कम से कम घोड़े से ज्यादा तो तुम अपनी बचत करते ना। कहते सर लोग नहीं देते पैसे, लोग चीप लोग हैं, हम सच्ची बात करूं, और चीप काम करते हैं। तो फिर नतीजा क्या, हमने नगरी बंगला में टेंट लगाया, सुबह मैं उठा तो मेरे टेंट के पास से स्मेल आ रही थी, रात को कोई शहजादा आया और उसने ज्यादा दूर जाना बॉदर नहीं किया, ना उसने खड्डा खोदा ना उसने उसके ऊपर मिट्टी डाली, बस वहीं पे अपना पैरामिड बना के चला गया। फिर मैं उधर खड्डे खोद के और मिट्टियां डाल के उसको कवर किया, क्योंकि नजदीक ही था, वहां पे टेंट लगाते आते जाते पाँव में लग जाता कुछ हो जाता, और वो लाइक पूरा माहौल स्मेल से, जस्ट इमेजिन यार 60 लोग एक जगह कैंपिंग कर रहे हो, और डगरी बंगला के चारों तरफ वो बहुत ही प्रिस्टीन साइट है थी। अब तो ना वहां मुझे वाइल्ड लाइफ नजर आती है, ना मुझे वो पीस ऑफ माइंड नजर आता है, और बिल्डिंग रोज बरोज गिरती जा रही है, तो चारों तरफ कचरे का ढेर है, खाली बोतलें, शॉपर, पैम्पर। तो ये मसला है, हमें जल्दी से ना ये जो मिड वाला स्टेप है इसको कवर करना है, और वो कैसे कर सकते हैं कि स्टेट, यूनेस्को, इंटरनेशनल बॉडीज, ये मीडिया के लोग, हम, आप, मैंने फिर वो जो गाइड से उनके नंबर शंबर लिए, मैंने कहा यार आप आओ, हम बैठते हैं और हम अपने गाइड्स के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये काम हम करेंगे, कचरा नहीं फेंके, जी हम नहीं फेंकते, नहीं फेंकते, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जो पड़ा हुआ है वो उठाएंगे, मे बी, मैंने कहा लकड़ी नहीं जलाएंगे, नहीं, नहीं वो तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं होता, मैंने कहा मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, सस्ते फ्यूल्स हैं, इस तरह टाइम बचेगा आपका उस इलाके की, वो
इर्द गिर्द के दरख्तों के से जब आप झाड़ियां वो काटने शुरू हो जाती है ना, तो वो बेचारे यूं सीधा दरख्त आपको नजर आएगा और उसकी टॉप के ऊपर थोड़े से वो हो गई, ये निशानी होती है कि लोकल लोग इस दरख्त को स्ट्रिप कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े से पत्ते इन्होंने तोड़ दिए हैं और ये लकड़ी काट रहे हैं इसे। तो अच्छा खूबसूरत वो लगता है जो हेल्दी हो, पूरी शाखें उसके साथ हो, कटी हुई नजर आए। डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रही है, उसका इलाज ये नहीं है कि आप वहां जाए ना, वो बात ज्यादातर वहां होती है ना, टूरिस्ट नहीं जाते। तो अगर टूरिज्म मिल जाएगा तो लोकल लोगों को एक ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल जाएगा लूटने का, जंगल को ना लूटे हमें लूट ले यार, हमसे 10,000 ले लें आप 5 के बजाय, लेकिन खुदा के लिए शिफ्ट करें इस चीज से। और होता भी यही है, ऑफिसर्स जाना शुरू हो जाते हैं, जगह लाइमलाइट में आ जाती है, फोटोग्राफ्स आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वहां पे वो जंगल प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं इमरान खान को बड़ा शौक है, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ को भी बड़ा शौक था, वो भी उसने बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बनाई थी। इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये सोच जिसमें सबको लेके चला जाए और नेशनल लेवल पे लोगों को एजुकेट किया जाए, ये सोच नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता था पीटीआई की गवर्नमेंट में कि कम से कम यार आप एक मोटिवेशनल लीडर हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर हो, तो कम से कम लोगों को एक दो दफा ये मुंह से कह दो कि यार कराची में इतने लोग मर जाते हैं कचरा फेंकने की आदत की वजह से, खुदा के लिए इसको मैनेज कर लें। और उसमें कुछ रोल फैमिली से शुरू होता है, जब हाउस होल्ड से काम आगे जाएगा तो ऑफिसेज और गवर्नमेंट के इदारे और वो चीजें भी इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर गवर्नमेंट अपने आप को खर्चा करके इम्प्रूव कर भी लेती है और हाउस होल्ड वैसे ही रहते हैं, थोड़ी देर से बाद उस नाले में फिर शापर भर जाएंगे, फिर लोग डूब के मरेंगे वहां पे बच्चे। तो ये थोड़ा सा आपको लोगों को एजुकेट करना है। नाउ यूर अ लीडर, यू हैव अ वॉइस। आप हर वक्त अपनी तारीफ ही करते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने 22 साल मेहनत की, बहुत अच्छी बात है भाई, अब आगे क्या करना है। तो उम्मीद है हमें ये है इनसे, या जो भी कोई लीडर आए जिसके पास वॉइस है, यार इस कौम को ये नापाक कर दिया, पाकिस्तान को इसको पाक करना है, जरा सा आप मैसेज तो दें, दो तीन बातें। लेकिन होता क्या है, हम लोग हमारे ऑफिसर्स भी ना बड़े शॉर्ट टर्मिस्ट हैं, पेपर वर्क करते हैं या डब्बा लगा दिया आके उसके साथ तस्वीरें उतरवा ली, दरख्त लगा दिया उसके साथ तस्वीरें उतार ली, यहाँ कूड़ा फेंकना मना लिख दिया, ऐसे नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इससे उलझ रही है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, उनके पेपर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके अपने ऑफिसेज में एनवायरमेंट की केयर नहीं हो रही होती है, एक ही डस्टबिन में सारा कुछ फेंक रहे होते हैं। और अगर सेग्रीगेटेड डस्टबिन भी है तो वो पियोन जब उठाता है तो बाहर जाके फिर वो कूड़ा एक ही थैले में मिक्स हो जाता है, और वो ऑफिसर डोंट केयर, उसने तो अपने ऑफिस में वो लगा के एक बता दिया कि मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ अपने वेस्ट की, सिस्टमेटिक थिंकिंग नहीं है, और उसकी वजह से बड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर रोड हमारी इसलिए टूट जाती है कि गटर उबल जाते हैं, और गटर क्यों उबल जाते हैं क्योंकि उसमें शॉपर होते हैं। और ये जो हम अपने अभी हमने ये बड़े हैवी वाले शॉपर शॉपिंग बैग शुरू किए हैं, वो भी तो प्लास्टिक के हैं, वो मल्टी मल्टी यूज के लिए है ना, वो मल्टी यूज तो नहीं हो रहे हैं, वो भी लैंडफिल्स में जा रहे हैं। नॉर्मल शॉपिंग बैग शायद जरा जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, ये तो ब्रेक डाउन भी नहीं होते इतने आराम से। तो और फिर शॉपिंग बैग का यूज भी उधर ही है, सब्जी वाले सारे शॉपिंग बैग देते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती है कि स्टेट से कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, जो लोग देखो इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लोग अपने जाती इंटरेस्ट के लिए नौकरी करते हैं, जिंदा रहते हैं, मेरे तुम्हारे इंटरेस्ट से उनको क्या है। तो मुझे अगर तकलीफ है तो मैं खुद ठीक कर लूंगा, मैं अपने मोहल्ले की में से भी कोई गंदगी नजर आती है तो साफ कर लेता हूँ, ऑफिस में भी कुछ नजर आता है तो कर लेता हूँ, और ज्यादा बकबक करने का कोई फायदा नहीं होता, दिल ही जलता है बंदे का। ये सारा कुछ ही होता है, ये सारा कुछ ही होता है। मोबाइल तो आ जाए यार, हम जब हाइकिंग करते थे तब कहाँ होते थे मोबाइल।
आप घर वालों को 3 दिन का बता के जाते हैं कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, चौथे दिन आप मेरे लिए निकल पड़ना ढूंढने के लिए मुझे। तो एक दफा क्या हुआ कि मैंने अपनी मदर को बताया ना कि इस तरह मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, तो अगर मैं 4th डे भी ना आया ना तो आप इस एरिया में मैं जा रहा हूँ, तो आप फिर किसी को बता देना कि वो मेरा पता करा ले। पता नहीं क्यों उन्होंने, या मैंने शायद उनको क्लियर नहीं बताया, शी थॉट कि 24 आवर्स में ये करना है। वो मैं सिग्नल से बाहर एरिया में था, तो जब तीसरे दिन मैं जो ही वापस सिग्नल एरिया में आया तो मेरा मोबाइल फ्लड हो गया। पाकिस्तान के बाहर के मेरे रिश्तेदार, मेरे दूर दराज के दोस्त, हमसाए, जिनको मैं भी नहीं जानता था लेकिन अम्मा को पता था कि शायद इसके पास कोई वहां का रहता हो, उन सब के मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स। और सॉरी, मैं जरा इसको चार्जर लगा लूं, दैट इज रनिंग आउट। तो मैं आपको बता रहा था कि फिर वो कितना सोचोगे पैनिक हो गया होगा। 48 आवर्स तक बंदा गायब है, बता के गया था कि मैं 24 आवर्स में आ जाऊंगा। हालांकि यार पता नहीं, मैंने तो बहुत क्लियर बताया था। बट समटाइम्स यू एक्सपेक्ट दिस थिंग ना, बेहतर इससे ये होता कि मैं कुछ ना बताता, क्योंकि शायद यार यूज्ड टू इट ना कि ये जाता रहता है। और मैं उनको बस ये बता रहा था मैं 2-3 दिन बाद रब्ता करूंगा। और उनको मैंने जब बताया ना ज्यादा, तो वो शायद एक तरह से वो ऑटो वो ट्रिगर पे चली गई, क्या मैंने सबको बताना है, तो बस वो तो आए नहीं। वो इतनी सी पता है याददाश्त भूल जाती है, मुझे लिख के देना चाहिए था, भूल गई होंगी कि इसने मंडे कहा था या थर्सडे कहा था। क्योंकि प्रॉपर ट्रेल्स है ही नहीं, तो ट्रेल मैनेजमेंट भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। अभी कल ही इस्लामाबाद में ट्रेल 5 के ऊपर उन्होंने टिकट रखा है, सब लोग शोर मचा रहे थे। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, कल तो नहीं लास्ट वीक, कि बहुत अच्छी बात है जब 10 रुपये आपसे कोई ले रहा है तो फिर वो जिम्मेदार है कि ट्रैक को भी साफ रखेगा, सेफ भी रखेगा, और आपने टिकट लिया हुआ है तो। मे होना चाहिए था वैसे। एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि यार लोग आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तमाम ट्रेल्स को लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। हेल्थी एक्टिविटी आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। बहरहाल ख्वाहिशें तो बहुत हैं। जहां तक रियलिटी की बात है, इन रियलिटी जब हम ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो हमें बचपन से आदत नहीं है कि कोई रेस्क्यू के लिए आएगा या ऐसा कुछ है। बेहतरीन आपके पास है आपकी आवाज और आपका विसल, चीखे मारो, शोर मचाओ, बचाओ बचाओ, ये रेस्क्यू है, 911 है हमारा। लकीली पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह लोग रहते हैं, एज सच विल्डरनेसेस नहीं है जैसे यूरोप और अमरीका। यूरोप तो नहीं, अमरीका में बहुत ज्यादा विल्डरनेसेस हैं जहाँ पे किसने नहीं आना कई कई दिन। यहाँ पे पाकिस्तान में तो हमारे लोग बड़े टफ लोग हैं, कोई जगह नहीं मिलती जहां बंदे ना हो। मैं तो परेशानी हो जाता हूँ कि इतनी हाइकिंग करके पहुंचे हो तो आगे गांव की एक माई बैठी होगी बूढ़ी सी, और उसके पास 20 किलो का थैला भी होगा, और आप अपने 10 किलो के बैग लेके हफ हफ कर रहे होंगे और वो भागती भी जा रही होगी।
बंदा कहता है यार ये तो सारी हमारी जमा मर्दी जीरो हो गई, आंटी ने हमें बाईपास कर दिया। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में हर जगह आबादी है। और घर बता के जाएं लोकल एरिया में, मतलब जिस जीप वाले के साथ आप जा रहे हैं, आप उसको बता दें अगर आपने वापस उधर आना है कि यार मैं 3-4 दिन बाद इधर आऊंगा, आपने वापसी के लिए हमेशा कोई ना कोई बंदा बुकिंग, कोई रास्ता कुछ ढूंढा होता है। तो जिन लोगों से आपने वापसी पे रब्ता करना है वो नजदीक तरीन है, तो आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि यार अगर मैं चौथे दिन नहीं आता तो आप कोई जो लोग जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं उनसे मेरा पता करा लेना। लोकल लोगों के बड़े तरीके होते हैं, वो कर लेते हैं, तो लोकल लोगों के साथ हेल्प ली जा सकती है। फिर मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का हर इंच किसी थाने की हदूद में आता है, तो अगर आपने उनसे बात की हो तो डोंट वरी, वो फिर ढूंढ लेंगे आपको। हमारा भी तो मसला ना, हम भी तो किसी को बताते नहीं है, उठ के चल पड़ते हैं जंगलों में। जिन लोगों की वहां पे अथॉरिटी है टैक्स पेयर की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है, वो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग ट्रस्ट भी नहीं करते ना, तो ट्रस्ट करें, लोगों को बताएं फला जगह जा रहा हूँ। है भी और नहीं भी है, इस तरह से कि 200 ईयर ओल्ड बिल्डिंग थी, तो गवर्नमेंट ने एफिशिएंसी दिखाई, उसको तोड़ा, उसके जितने वुड वर्क था एंशियंट किस्म का, उसके अंदर जो जो वो स्टोन मेसनरी थी खास किस्म की, वो सब उखाड़ के कचरे में फेंक दी या कबाड़ में दे दी, और उधर लेटेस्ट बिल्डिंग बना के टीन की चादरें और स्लाइडिंग विंडोज लगा दी। फ्लशिंग टॉयलेट्स पुरानियों में भी होते हैं लेकिन इनमें लगा के वो सब कुछ आर्टिफिशियल कर दिया। तो चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए बजाय इसके कि आप उसको, चले वो एक विजन इनका एक तरीका है। पुराने रास्ते हैं, सड़कें हैं जो बड़े तरीके से डिजाइन हुए हुए हैं, अब के ठेकेदार को जब उसको रिपेयर करने के लिए देते हैं तो ये उसका कबाड़ा ही कर देता है। तो ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि गवर्नमेंट ने मसन सैफुल मलूक का है, उस पे अब पेव्ड रोड बन गया है, तो उससे और ज्यादा टूरिस्ट जाना शुरू हो गए। आगे डस्टबिन नहीं लगाए, एक लगाया हुआ ऊपर जहाँ जीपें रुकती हैं, और वो भी शायद जीपों वाले कभी ले जाते हैं कभी नहीं लेके जाते। हम जाके अपने तौर पे उस जगहों की सफाइयां सफाइयां करते रहे हैं। जब भी हम स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर मजबूरी है कि सैफुल मलूक ही जाना है तो चलो फिर उसकी सफाई करेंगे, तो जाते हुए अपना खाना वाना लेके जाते हैं, वापसी पे हुई बोझ अगर हमने गधे हायर किए हैं या जीप है तो उसको हम भर के लाते हैं, उतना ही वेट हम लेके आते हैं गट्टे का। तो गवर्नमेंट क्या आप कह रहे हो कि खराब किया, तो मैंने जिस तरह कहा कि जिस जगह को हम छेड़ते हैं हम उसको खराब ही करते हैं, इम्प्रूवमेंट की मिसाल क्या दे सकता हूँ। इम्प्रूवमेंट की मिसाल जो देखो, अब मैं पूरी लाइफ टाइम में अगर सोचूं, मैं जब सिंध में था तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ एक जगह है, वो क्या नाम है यार उसका, दादू में जो पहाड़ है गोरख हिल्स, किसी ने मुझे बताया कि सिंध में भी बर्फ पड़ती है और एक जगह है, तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी बैक इन 1990s। तो आई रियली वांटेड टू गो देयर, तो उन्होंने कहा यार बड़ा खतरनाक इलाका है, उधर मत जाना। तो कोई मेरे साथ जाने को तैयार भी नहीं था, तो आई नेवर वेंट देयर। जब मुझे पता चला कि यार गोरख हिल तक सड़क बन गई, कुछ बन गया वहां पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये एक वो चीज है जिसकी मुझे खुशी है। देवसाई नेशनल पार्क, उसके अंदर पार्क मैनेजमेंट, पार्क वालों की कंसर्न, वो खुशी होती है। हुंजा को देख के खुशी होती है, हुंजा जिस तरीके से मर्ज हो रहा है, मैं शुक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में हुंजा और नॉर्दर्न एरिया जैसी जगह है जो ये साबित करता है कि हम बाई नेचर गंदे नहीं है, हम में से कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ साफ भी हैं, कुछ बेहतर और हारमोनियस सोसाइटीज भी हमारे लोगों ने बनाई हैं, तो सारे भी कर सकते हैं। शुक्र एक मिसाल है, एक हुज्जत है, वरना तो पाकिस्तान में एक नॉर्मल बात ये होती है कि हम हर बात पे ही कहते हैं वो ये कौम ही ऐसी। मेरे ख्याल में ये बड़ी सेल्फ डिफीटिस्ट किस्म की अप्रोच है कि जब आप ये उम्मीद कर लें कि ये लोग ही ऐसे, हो सकता है तो करने की कोशिश ही करनी चाहिए।
फायदा कोई नहीं है हर वक्त लेमेंट करने का और रैंट करने का। मैं भी करता हूँ कभी कभी, अपनी आसानी, अपनी वेंट आउट करने के लिए करता हूँ, लेकिन अगर मैंने काम करना है तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, फिर मैं काम करूंगा। हाँ होते होते यार, सबसे पहली चीज प्रेपरेशन। टू एडवेंचरर का इम्तिहान ही उसकी प्रेपरेशंस हैं, वो जितना अच्छा इमेजिन कर सके, विजुलाइज कर सके उतना अच्छा। आपने वो मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो उसमें भी मैंने शायद, वो सीरीज है, मैं तो अपने ग्रुप से इंटरेक्ट करने के लिए बनाई थी वो, ऐसा कोई पब्लिक वीडियो नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए बनाई तो कुछ क्लियर करके बनाऊंगा। ये तो बड़ी बोरिंग सी एक लंबी डिस्कशन है, तो उसमें मैंने फर्स्ट एड किट और इस तरह की चीजों का बताया हुआ। हम लोग एनसीसी किया करवाते होते थे, हम जब छोटे थे तो हुआ करती थी नेशनल कैडेट कोर, आर्मी वाले हमारी 60 डे ट्रेनिंग होती 2 साल में, अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती है उसमें, फ्रैक्चर इंजरी को कैसे हैंडल करना है, वो इमोबिलाइज कैसे करना है बंदे को, स्ट्रेचर कैसे बनाना है, उठाना कैसे है, स्नेक बाइट किट क्या होती है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, ये चीजें वहां से हमने सीख ली थी। तो थोड़ी सी सीपीआर, फर्स्ट एड, अभी भी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं और रेस्क्यू के इदारे हैं ये कोर्सेज ऑफर करते हैं, करने चाहिए, पब्लिक के लिए करने चाहिए। हमारे यहाँ लाखों लोग, नहीं कोई मैंडेटरी सैंडेटरी नहीं है, हम खुद अपने शौक से, तो उस जमाने में था एफएससी में जब मैं था बैक इन 1990s, अर्ली 90s, हमारा लास्ट बैच था, हमारे बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर खत्म कर दी गई थी। तो अब नहीं है, उस वक्त दो होती थी, नेशनल कैडेट कोर और वुमेन गार्ड, तो गर्ल वुमेन गार्ड। हाँ तो गर्ल्स को भी गन चलाना, ग्रेनेड चलाना ये वो सिखाते थे। तो अब मैं कहता हूँ चले मिलिट्री पार्ट आप खत्म कर दें, लेकिन वो सर्वाइवल और जो स्काउटिंग नहीं है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे जमाने में स्काउटिंग बड़ी अच्छी होती थी, उसमें बहुत कुछ बंदा सीख लेता है, कैरी किस तरह करना है किसी इंजर्ड बंदे को। बाजू का आप रेस्क्यू करते करते ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये ट्रेनिंग्स बेसिक हमारे यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये होनी चाहिए जनरल पब्लिक में, क्योंकि मैंने कहा ना कि घर में भी इमरजेंसी हो जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, दूसरा बचाने आता है वो भी हाथ मारता है सीधा, वो भी पकड़ा जाता है साथ, तो वो ट्रेनिंग थोड़ी सी स्कूलों में भी नहीं है कि यार लकड़ी से करें, मेन स्विच ऑफ कर लें, या चोकिंग से लोग मर जाते हैं, चोकिंग हैजर्ड में क्या करना है। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान में लाखों ड्राउनिंग पेशेंट्स और हार्ट अटैक पेशेंट्स को बचा सकते हैं अगर हम लोगों को बेसिक सीपीआर सिखा दें, लेकिन अब वो माउथ टू माउथ है तो हमारा तो उधर आके बस हो जाती है, यार छप्पर रख लो उसमें सुराख करके कर लो, कुछ करो बंदे की जान बचाओ। एक दफा हमने देखा था एक औरत और उसकी बेटी बेचारी दरिया में बह गई, तो लोगों ने उनको पकड़ लिया, बट इट टुक देम लाइक 15 मिनट्स, ठंडा पानी था, तो दे वर जस्ट लाइंग स्टिल, नोबडी वाज गोइंग एंड डेयरिंग टू यू नो हेल्प रिसेसिटेट देम, उनको आप रिसेसिटेट करते वो वापस आ जाती। और वो हमेशा तक मेरे दिल में वो चीज फंसी रही कि मैं भी डर रहा था कि यार ये बेगानी औरत है, गाँव का माहौल है, दूर से ही हमने देखा लोग इकट्ठे हुए हुए हैं जी, डेड बॉडीज मिली है। मैंने पूछा कितनी देर हुई, उन्होंने कहा जी 10-15 मिनट हुए। मैंने कहा यार इसका कुछ करो ना, तो जी बुला रहे हैं पुलिस, वो आ रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची, पता नहीं क्या हुआ, मैं वी लेफ्ट दैट सीन, बट दोज लाइव्स कुड बी सेव्ड। जो बच्चे बेचारे डूब गए उधर नीलम वैली में, 40 स्टूडेंट्स इन वन गो, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट दे वर डूइंग समथिंग रियली स्टूपिड। याद रखिए कोई स्टूपिड नहीं होता, लेकिन जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आप स्टूपिड ही होता है। एक गांव का बंदा जब शहर आता है तो स्टूपिड बन जाता है बेचारा, उसको रोड क्रॉस करने की नहीं समझ आ रही है। इसी तरह गांव, शहर का बंदा जब गांव जाता है वो भी स्टूपिड होता है बिल्कुल, वो भी सीधा भैंस के गोबर में ही पांव रखता है, या कुत्तों के रास्ते में आ जाता है गांव के और कपड़े फड़वा लेता है। तो बच्चों को हम शुरू दिन से हम ट्रेन नहीं कर रहे, अचानक वो जब जवान होते हैं तो वो निकल पड़ते हैं और फिर वो अपने आप को खतरे में डालते हैं। तो बचपन से
ये चीजें साथ साथ सिखाई जाती हैं, एवरीडे लाइफ में भी काम आती हैं। और फिर जहां तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दुनिया में, हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हर जगह आर्मी मौजूद है कहीं ना किसी शक्ल में, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, ऑल्टरनेटिव्स हैं, जरूरत महसूस नहीं होती, लोकल लोग हेल्प कर देते हैं। आपको अंदाजा होगा खासतौर से पहाड़ी इलाकों में लोग वॉइस के जरिए बहुत दूर दूर तक कम्युनिकेट करते हैं, आवाज दे के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे होते हैं, आज क्या पकाया है। तो अब तो मोबाइल आ गए हैं, लेकिन पुराने वक्तों में ये मोबाइल होता था। तो ऐसी सिचुएशंस में मेडिकल सिचुएशन मेरे साथ एक एक दफा हुआ है, मेरे साथ बहुत कम हुई है, शायद उसकी वजह ये कि मैं काफी केयरफुल हूँ। कोई बंदा अगर आपको ऐसा मिले ना जो अपनी इस तरह की एडवेंचर सुना रहा हो, तो समझो कि वो फिर रुथलेस है, रेकलेस है, वो अपनी ज्यादा केयर नहीं करता, उसके साथ मत जाना। तो एक दफा मेरे एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की कि मेरे टखने में दर्द हो रहा है, जो मुझे बाकी लोग कह रहे थे कि ये बहाने बना रहा है, क्योंकि उसका आने का दिल नहीं कर रहा था। तो उसके साथ फिर मुझे स्लो होना पड़ा, मैं लेट हुए, हम पहुंच गए, लेकिन फिर जो बाकी बच्चे थे उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई, उसको हेल्प कर रहे थे बाकी उसके साथी, मैंने उसके पाँव को स्टेबलाइज कर दिया था लकड़ी रख के, और उसके ऊपर बैंडेज अच्छे तरीके से बांध दी थी, लेकिन उसकी कंप्लेनिंग बंद नहीं हुई थी। मेरे पास अगर उस वक्त आइस स्प्रे होता जो कि एथलीट्स के पास होता है, तो थोड़ा सा उसका पेन मैं कम कर देता। अब मुझे पता है कि आइस बैग्स वगैरह आप रख सकते हैं अक्सर पहाड़ों में हाइट पे, ठंडे पानी से अगर आप रुमाल भिगो के भी किसी ऐसी इंजरी पे रख दें तो बंदे की थोड़ी पेन कम हो जाती है। बाकी मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया था हाइकिंग पे, हम 3 दिन जंगल में फंसे रहे थे, और 15 दिन हम जंगल में फंसे रहे थे, 3 दिन हम अपनी गाड़ी से दूर वीराने में फंसे रहे थे, और दूसरे दिन उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो 3 दिन मीन्स के हम ट्रैकिंग के पहले दिन उनको हो गया था, और 3-4 दिन हम फंसे रहे। उसके बाद वो तूफान था बहुत बड़ा, बर्फ का ब्लिजर्ड था, वो चल रहा था, वो खत्म हुआ तो फिर हम वापस आए, और उस दौरान लकीली वहां पे हमें एक बंदा मिल गया था जो किसी माइन थी पुरानी, उस माइन का चौकीदार था, वो बड़ा सयाना आदमी था, वो कुछ सूंड का काढ़ा और कावे शावे बना के अबू को देता रहा। अबू को ब्रैडिकार्डिया का अटैक हुआ था, तो वो इतना सीरियस नहीं होता जिस तरह बाकी, लेकिन ही कुड नॉट मूव, तो फॉर 3-4 डेज इट वाज अ वेरी ब्लीक एंड डार्क सिचुएशन, बट व्हाट कैन यू डू, यू हैव टू यू नो डू योर बेस्ट एंड देन होप फॉर द बेस्ट एंड डू नॉट पैनिक। पता नहीं मेरा पैनिक बटन नेचुरली नहीं है या मैंने इस तरह के तजर्बों की वजह से वो नहीं है, इतना एक्टिवेट नहीं होता है। आई डोंट लूज माई माइंड, आई डू समथिंग, तो आई डिड समथिंग, रेस्क्यूड हिम, ब्रॉट हिम बैक, वी गॉट स्टक वंस अगेन, एक और ब्लिजर्ड चढ़ पड़ा। एक दिन क्लियर हुआ, हम अपनी गाड़ी तक आ गए, फिर हम अपनी गाड़ी में फंस गए, 3-4 दिन फिर अपनी गाड़ी में फंसे रहे। तो जब हम आए वापस तो लोगों ने दफातिया पढ़ ली थी हमारे लिए, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे और उस इलाके में तो कोई इंटरेक्शन नहीं था, हम एक बिल्कुल ऑफ रोड एक साइड पे गए हुए थे। तो अल्लाह ने किया वो बच गए, थोड़े अरसे बाद शहर आके फिर वो फौती होना था उन्होंने, तो वो हो गए। ऐसी सिचुएशन भी आई कि मुझे कहते हैं, मैं आई वॉज ड्रैगिंग हिम, वो जब उनको हुआ तो हमारे साथ एक ड्राइवर था, उसको मैंने कहा यार तुम गो अहेड फाइंड रेस्क्यू, वो बंदा गया, वो आया ही ना वापस 2 दिन तक, तो वो खुद कहीं फंस गया था उस बर्फ में। वी आर अबव 12,000 फीट इन नीलम वैली, तो आई हैड लाइक मेरे पास एक चादर थी, तो वो चादर अबू के बाजू में लपेट के, बर्फ थी, मैंने कहा पाँव घिसटते रहे, मैंने उनको कमर के ऊपर अपने चढ़ा लिया, क्योंकि हम चल नहीं सकते थे, अगर हम वहां बैठे रहते, फरवरी का महीना था, हम फ्रीज हो जाते थोड़ी देर में, तो मीन्स के आग जला के भी कोई जगह भी नहीं थी, पहुंचना था हमें वहां से, हाइट पे थे ना, मौसम बड़ा क्लियर था, तो हमें एक आबादी नजर आ रही थी दूर, तो हमने कहा वहां तक हम पहुंच जाते हैं, अगर नजर आ रही है तो नजदीक ही होगी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते हमें 8-9 घंटे लग गए। तो अबू तो चल नहीं सक पा रहे थे, उनको फिर मैं घसीटता रहा सारा रास्ता, तो एक जगह हम बैठे, उनको बाज़ूकात मुझे हाथ हाथ रब करता था, कुछ CPR वगैरह हल्का फुल्का के चलता रहे सिस्टम, तो ही यूज टू गेट आउट ऑफ ब्रेथ और ही यूज टू पास आउट, तो
एक आई जरा से केम थ्रू, तो कहते हैं मैं मर गया तो क्या करोगे। मैंने कहा बर्फ है, फ्रेश रहेंगे इधर ही कहीं, बर्फ में पैक कर दूंगा ना। हंसते हैं, कहते हैं रात को जानवर उखाड़ के बर्फ खोद के मुझे ले जाएंगे या खराब कर देंगे, तो अगर मैं मर गया तो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मुझे रखना, शेलो ग्रेव बना के बड़े बड़े पत्थरों के नीचे मेरी बॉडी स्टोर कर देना और फिर जाके रेस्क्यू लेके आना। तो इस हद तक मेंटली आप जब पहुंच जाए, तैयार हो जाए कि आपको ये कुछ भी करना पड़ सकता है और दुनिया से आप बिल्कुल कटे हुए हैं, तो फिर कोई चीज भी बड़ी चीज नहीं होती है। होते हैं वाकयात, घरों में भी होते हैं, मोर पीपल डाई स्लिपिंग इन द बाथरूम देन स्लिपिंग फ्रॉम द केट टू और एवरेस्ट और ऑन द माउंटेन्स और गेटिंग अटैक्ड बाय एन एनिमल और हैविंग अ हार्ट अटैक इन द फॉरेस्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आर डूइंग एन एडवेंचर एंड यू डाई, इट्स वर्थ वाइल रियली। यू डाई डूइंग समथिंग यू लाइक, इट्स मच बेटर देन स्लिपिंग इन द टॉयलेट, इजंट इट? मच डिग्निफाइड। तो फिर एक हद आती है जहां पे आपको इस तरह भी सोचना पड़ता है कि अब हो गया तो हो गया, अब क्या करें, ये तो है, ये तो हिस्सा है ना जिंदगी का। मैं नहीं जानता किसी बंदे को जो पैशनेट हो और फिर वो थक गया और वो हट गया उस चीज से, ये बड़ा पक्का नशा है। ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, फेज होता है, पास हो जाता है, कोई कंडीशन मेडिकल ऐसी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है। मुझे बैक इश्यू है, मेरी एक इंजरी हो गई थी, मैंने बहुत बड़ा एक पत्थर उठा लिया था, दोनों टांगों में शियाटिका हो चुका है मुझे, उसके बावजूद आई कीप हाइकिंग बिकॉज इट कीप्स मी फिट। अगर मैंने छोड़ दिया ना तो फिर मैं ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। तो इट अर्जेस मी टू गो आउट फॉर अ वॉक एवरी डे बिकॉज मे बी आफ्टर अ मंथ और 2 months और सम डे आई हैव टू गो हाइक, सो आई हैव टू बी इन गुड शेप, आई हैव टू हैव गुड स्टेमिना। तो एडवेंचरर की लाइफस्टाइल जब आपका एडवेंचर का बन जाए और आप उसको अपनी डेली रूटीन और ऑफिस वर्क के साथ बैलेंस कर लें, अप्रोप्रिएट छुट्टियों में अप्रोप्रिएट टाइम्स पे आप निकलना शुरू कर दें, तो इफ यू नेवर क्विट, यू क्विट व्हेन व्हेन यू आर आर्टिफिशियली यू नो हाइप एंड देन यू यू लूज इट। पर हो सकता है लोगों के टेस्ट चेंज हो जाए, हम भी बदलते रहते हैं। समटाइम्स आई प्रेफर ट्रैवलिंग, समटाइम्स आई प्रेफर नॉट ट्रैवलिंग मच बट जस्ट गोइंग एंड कैंपिंग इन द विल्डरनेस। दूर नहीं जाता, कभी होता है कि बस दूर जाना है और जहां रात पड़ गई वहां सो जाएंगे, तो कभी होता है कि फिशिंग करनी है बैठे रहेंगे, कभी होता है कि लोकल से इंटरेक्ट करना है, कभी होता है कि बिल्कुल कोई लोकल ना हो, बिल्कुल नया ट्रैक हो। बदलते रहते हैं क्योंकि आपने अपने आप को अपनी वो जो है उसको सेटिएट भी करना है, अर्ज को, नेचुरल एक आपकी अर्ज होती है टू एक्सप्लोर एंड गो ऑन हाइक्स। तो तरह तरह की है, फिर ड्राइव्स, एक जमाने में मैं आई लर्न ड्राइविंग ऑन अ 4-व्हील ड्राइव जीप, CJ74 मॉडल टोयोटा जीप। तो मैंने बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग की है बिल्कुल यंग एज में, लीपा में और नीलम वैली में, बहुत मुश्किल मुश्किल एरियाज में, और फिर वो जीप गई तो वो चीज भी गई। अब शायद दोबारा मैं उस तरफ आऊँ, कार कैंपिंग और जीप और उस तरफ, क्योंकि बड़े नए रोड्स बने हैं, कुछ नए रोड्स मिले हैं मुझे जो जंगलों में है जहाँ जाया जा सकता है। तो ये मेरा एक प्लान है, मैं शायद कुछ सालों में उस तरफ शिफ्ट कर जाऊं।
या डाइवर्सिफाई कर लूं। फिलहाल तो मैं नियर एंड अनएक्सप्लोर्ड वाइल्ड ट्रैक्स, वन नाइट स्टे और अ डे ट्रैक, शॉर्ट ट्रैक्स कर रहा हूँ। उसकी शायद वजह ये भी है कि मैं अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, वो अभी मेरे साथ नहीं जा सकते, मेरे पीछे अकेले बोर होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, तो इसलिए भी मैं जरा ज्यादा ट्रिप्स दूर के नहीं कर रहा। तो चेंज होता रहता है बंदे का वक्त के साथ साथ। कई कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बाइकर्स की, ये भी एक क्लास है पाकिस्तान के, गैंगस्टर्स हैं। गैंगस्टर्स तो नहीं है, मेरे ख्याल में सबसे शरीफ दुनिया की बाइकर गैंग्स हमारी हैं जो बहुत बुरे हाल में होते हैं, एंड आई फील पिटी फॉर देयर बिहाइंड्स। क्यामत वाले दिन इनकी बिहाइंड्स इनकी शिकायत लगाएंगी कि दे वर वेरी क्रूअल टू अस। आई हैव डन सम मोटर बाइक राइडिंग और इट्स एक्सक्रूशिएटिंग यार। वो हॉर्स राइडिंग पाकिस्तान में बहुत कम है, मैंने किया है कुछ अरसा, दैट कैन गेट वेरी पेनफुल इफ यू आर नॉट इन गुड शेप। वाइल्ड हॉर्सेस नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं है। आपको मेडोज वगैरह में खुले फिरते नजर आएंगे, दे लुक लाइक वाइल्ड हॉर्सेस बट दे आर नॉट वाइल्ड हॉर्सेस। गांव के लोग आते हैं उनको वहां छोड़ जाते हैं टू ग्रेस, और बाजू का वो उनको अनअटेंडेड काफी काफी दिन वहां छोड़ देते हैं, तो आपको यूं ही लगता है कि ये घोड़ा तो बिल्कुल नहीं रहता है और वाइल्ड है, ऐसा नहीं है। सारे सारे यस, पाकिस्तान में तो हिस्टोरिकली भी मेरे ख्याल में कोई हमें इस चीज का नहीं मिलते हैं आसार के हमारे यहाँ कभी हॉर्सेस वाइल्ड हुए होंगे। सेंट्रल एशिया में वाइल्ड हॉर्सेस होते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी। मैंने तुम्हें वार्न किया था बहुत ज्यादा पैशन अच्छा नहीं होता, पढ़ाई के ऊपर फोकस कर। अल्लाह आपको कामयाब करे और बहुत दूर लेके जाए इंशाल्लाह। दानियाल आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं अगर मुझसे आप पूछते कि क्या एडवाइस करेंगे तो मेरा एक ही एडवाइस होगा कि लिखा करें। मैं भी डायरी शायरी लिखता हूँ, मैं फोटोज भी लेता हूँ, और मैं मुझे ज्यादातर शौक होता है, सॉरी टू कट यू ऑफ, सोविनियर्स कलेक्ट करने का। सोविनियर्स उस जगह के साथ ना मेरी पूरी मेमोरी को एसोसिएट कर देते हैं, और कुछ नहीं है तो मैं एक पत्थर ही उठा लेता हूँ, कोई खूबसूरत सा वहां मुझे पड़ा हुआ मिल जाए, तो जब व्हेनेवर आई टच दैट स्टोन इट टेक्स मी बैक और आई कैन रिकॉल द होल थिंग। लेकिन अब जब मैं अपने कुछ एडवेंचर्स ऐसी हैं जो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए, पोस्टेरिटी के लिए और लोगों के लिए मैं कहीं रिकॉर्ड करके छोड़ दूँ कि व्हाट आई फेल्ट एंड व्हाट आई वेंट थ्रू, तो तस्वीरें देख के बहुत कुछ याद आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में शायद दोबारा आप रिकॉल ना कर सके। तो राइट देम डाउन व्हेन दे आर फ्रेश, डायरी जरूर रखें अपने पास जब आप एडवेंचर्स पे जाएं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक डायरी के बेस के ऊपर पूरी दुनिया ट्रेवल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग्स को पढ़ने वाले उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। आजकल वीडियो देखने वाले स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, क्राउड सोर्सिंग हो रही होती है, लेकिन उसमें भी मैंने एक चीज और देखी है, ये जो इनकलाब आ गया ना टिकटॉक और व्लॉगर, वल्गर व्लॉगर बन गए हैं जो सारे, तो ये जो मैं ट्रिप पे गया था तो मेरे साथ कुछ ओपन था, कुछ लोग अपने रिकमेंडेशंस पे साथ ही लेके आए थे, तो बहुत सारे व्लॉगर निकल आए, तो वो जगह जगह खड़े हो जाते थे, हेलो गाइज अब हम यहाँ पहुंच गए, हेलो गाइज अब हम यहाँ पहुंच गए, और झूठे झूठे। और एक ऐसा था जो लगा हुआ था कि मेरी टीम बहुत अच्छी तैयार होके आई है, मेरी टीम ने ये कर ली। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ गेस्ट आए और तुम मेरी टीम तुम हाईजैक कर लिया सारा कुछ, तो उसने अपने नंबर बनाने थे, वो शायद वो प्रोफेशनल है, उसके साथ रोड ट्रिप्स वगैरह आते हैं, तो मेरे साथ खैर बचपन से ये हो रहा है, मैं लोगों को हाइकिंग पे लेके जाता हूँ, वो वापस आके मेरी कहानियां अपने नाम से सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे अब कॉल करते हैं, यार किसी ट्रिप पे लेके जाए, हमारी कहानियां खत्म हो गई हैं। तो एडवेंचरर्स आर गुड स्टोरी टेलर्स, इसलिए इतनी लंबी कब सुना रहा हूँ आपको, कितनी देर हो गई है, 2 घंटे हो गए। तो
एडवाइस यही है, लिखा करें, किसी को ना पढ़ाएं, अपने लिए लिखें, रूटीन में लिखें, डेली लाइफ में लिखें, छोटी छोटी फीलिंग्स एक्सप्रेशंस जो आपके हैं वो लिख दिया करें, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो रख लें, उसके ऊपर नोट्स ले लिया करें। मैं पेनजू यूज करता हूँ जिसपे मैं आई जस्ट वार्म अप माई फिंगर्स एवरी डे व्हेन आई सिट फॉर वर्क, आई राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपनी प्रोफेशनल अगर राइटिंग करनी है रिसर्च की और पीएचडी के काम की, पीएचडी मैंने कर ली है ऑब्वियसली उसकी पब्लिकेशन वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी जरा माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है। बट आई वॉन्ट टू राइट मोर एंड राइट ट्रेवलॉग्स एंड थिंग्स, रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और लेकिन गेन आपने क्या किया, जो कुछ आपने पेन किया वो कुछ आपने गेन किया है, बाकी जो इनसाइट्स हैं फीलिंग्स हैं उसके ऊपर बहुत फोकस करें, उसको जरूर प्रिजर्व करें। वो स्पेसिफिक डिटेल्स तो आप पिक नहीं कर सकते, लेकिन वो जो पर्सनैलिटी की रिफाइनमेंट्स हैं, जो लेसन्स हैं उन चीजों के, वो हमेशा आपके अंदर रहते हैं। तो लिखा करें, अभी इस एज में आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि अभी अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो कोई टाइम आएगा कि आप अपने मेमोयर छाप सकेंगे, आपकी कुछ चीजों की वैल्यू वक्त के साथ आपको पता चलती है, तो फिर आप सोचते हैं यार उस वक्त मैंने नोट किया होता तो मैं आज ये सारी डिटेल्स लिख सकता। लिखा करें। हाँ पता है। मेरा मेरा जो एक आइडिया, हर किसी की आइडियोसिंथेसिस होती है, मैं आपको पहले बता दूं, मुझे आप सिर्फ कंप्लीट और सही इंफॉर्मेशन से इंप्रेस कर सकते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोगों को, उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता, उठ के चले जाते हैं, इधर उधर से सुनी सुनी बातें आगे सुना रहे होते हैं और गलत मलत बता रहे होते हैं, मिस गाइड कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत सारे ब्लॉगर्स के किसी तरह लाइसेंस ही कैंसिल करवा सकता तो करवा देता, कि ये लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, वो अपने किसी इंटरेस्ट से कर रहे होते हैं शायद, या इसलिए कि बस भरना है मटेरियल। ये जो अनस्क्रिप्टेड ब्लॉगर्स हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। राइटिंग फिर भी चाहिए, थॉट प्रोसेस फिर भी चाहिए, होमवर्क करके जाए, जितनी आपको आती है उतना काम कम से कम करके जाए, फिर जाके बोल दें वहां पे जो बोलना। एल्टीट्यूड ठीक बताएं, डायरेक्शंस ठीक बताएं, हिस्ट्री, फिर और चीजों में भी इंटरेस्ट लेता है ना पाकिस्तानी कौम को आजकल, एक ही जगह खूबसूरत कौन सी जगह, व्यू सीनिक कौन सा है, क्योंकि उसने एक डम क्रिएचर की तरह एक सीनरी देखनी है और उसमें उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। लेकिन आप थोड़ा स्टडी करो कि ये लैंड फीचर्स कैसे बने, ये वाइल्ड लाइफ यहाँ कैसी है, ये प्लांट्स कैसे हैं, इसमें से कोई मैं खा सकता हूँ कि नहीं, इस पानी में कौन से जानवर हैं, लोकल लोग कैसे रहते हैं, लेजेंड्स क्या हैं इस जगह के, क्या हिस्ट्री है, ये जो रॉक फॉर्म्स है, ये रॉक्स कितनी पुरानी है,
इसमें कौन से मिनरल्स हैं, फिर मजा आता है ना। मैं सोचता था शायद मैं बोरिंग टाइप हूँ, लोग इंजॉय कर रहे होते थे, मैं ट्रेवल बुक्स पकड़ी हुई है उस जमाने में जब नेट नहीं था, तो जितना इंफॉर्मेशन मिलती थी वो मैं उनको बताता रहता था, अब ये है ये है ये है, और वो आगे से जाओ यार अपना कोई भंगड़ा म्यूजिक लगा के फिर उछलना शुरू हो जाते जंगल का माहौल बर्बाद करने के लिए। तो मुझे इम्प्रेस करना है तो होमवर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर आप गए रानी कोट ब्रिज फोर्ट पे और आपने कह दिया कि ये 4000 साल पुराना है और ये नहीं पता कि किसने बनाया था, वैसे ये तालपुरों ने 200 साल पहले बनाया था, तो पक्की बात करना, क्योंकि मैंने ये जो मैं कोट कर रहा हूँ ना ये किसी वीडियो में मैंने देखा था कि वो बंदा सीधा 4000 ईयर से 200 ईयर के दरमियान स्पैन में उसने डाल दिया वो। कहते थे फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम टिल टुडे इट वाज मेड सम टाइम इन बिटवीन। उसको उसमें से लोग पत्थर उखाड़ उखाड़ के अपने घरों में लगा चुके हैं कई। यार हम खुद भी ना, हमें भी नहीं खुद पता है, कुछ हमसे कम अवेयर है कुछ से हम कम अवेयर है। मैं तिब्बत में था, एक पहाड़ के ऊपर हम चढ़े व्यू लेने के लिए, बड़ा खूबसूरत गांव था, उसके पास एक टीला सा था, तो उस टीले के ऊपर कोई पुरानी साइट थी जिधर बेशुमार इतने इतने ना पत्थरों की, वो जो स्लेट पत्थर टाइप होता ना उस पत्थर थे, और उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए थे, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के स्क्रिप्ट लिखे हुए थे, और वो शायद कोई लोकल मन्नत का तरीका था कि वो आके वो इस तरह पत्थर की स्क्रिप्ट बना के वहां फेंकते थे या कुछ था, वो पहाड़ लिटर्ड था मुख्तलिफ किस्म की इन चीजों से। तो मैंने एक उठा लिया और सबको मैंने दिखाया भी, उन सबने भी देखा, और तो जब मैंने वो अपनी पॉकेट में डाला तो मेरे साथ एक जर्मन था, उसने जुमेरात पकड़ लिया, उसका वापस इट डजंट बिलोंग टू यू, लीव इट हेयर फ्रॉम एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर यू पुट इट, because you never know, maybe archaeologists tomorrow they'll come and they'll dig up this place and this contains a lot of information. So cheezon ko unspoiled chhod dena chahiye jis saal mein wo ho, aur ye souvenirs leke gharon ko aana, aur hum to yahi karte hain, foran cheez uthai jeb mein daal, hamare yahan ye tameez hi nahi hai, logon ke phool hum tod dete hain, darakhton se phal tod lete hain, ki wo concept hi nahi hai wo proper ownership ka, ki ye this thing doesn't belong to me. So, it belongs to the public, it belongs to the posterity even. मेरे बाद जो लोग आएंगे उनका भी हक है इस पे, तो मुझे इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, इसको लेके नहीं जाना चाहिए, हम बस या ग्रैब कर लो या डिस्ट्रॉय कर दो। हमने कितने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए हैं और उनके ऊपर वैंडलाइज किया है, पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान लिख दिया है, ये कौन सा पेट्रियोटिज्म है भाई कि अपनी हिस्ट्री पे बर्बाद कर दी। मैं आपको फाइनल बात बताऊं, हमारे ख्याल मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानियों को थोड़ा सा हिस्ट्री से चिढ़ है, उसकी वजह यह कि हमने अपने बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है। तो ट्रू सर्च ऑफ हिस्ट्री और इंटरेस्ट इन हिस्ट्री को हम ऑफिशियली शायद पसंद नहीं करते, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा, नई जनरेशन को करना पड़ेगा अपने तौर पर, rewrite, awareness develop करना, लोगों को educate करना। It's so uncool to do these things or without awareness. तो आप लोग जो vlog करना चाह रहे हैं, thesis कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, you are contributing actually a lot और promising future मुझे इस काम से नजर आता है कि जब आप seriously इस चीज के ऊपर consider करें, उसके ऊपर research करें, history ढूंढें उसकी, और लोगों को एजुकेट करेंगे तो उनको उसकी वैल्यू की भी समझ आएगी, और
That's all you can do. Be a responsible tourist at least. If you can't improve it, at least don't destroy it. बहुत मजा आया दानियाल. आई हैव रिकॉर्डेड इट, सो इफ यू वॉन्ट आई कैन अपलोड इट समवेयर ऑन यूट्यूब एंड आई विल सेंड यू अ प्राइवेट लिंक. ओके, शुड आई पुट इट ऑन पब्लिक? इज इट ओके इफ आई पुट इट ऑन पब्लिक, लेट अदर पीपल्स वॉच? ऑल राइट देन, यू वेलकम. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.